हेलो स्टूडेंट, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर 9 के ऊपर। देखो, हमने बाकी सभी यूनिट्स कर ली है, 1 to 8 भी कर ली है और 18 और 19 यूनिट्स भी कर ली है, ठीक है। आज हम 9 यूनिट को कंप्लीट करेंगे, जिसके थ्रू हम क्या करने वाले हैं, हमारी तीनों ब्लॉक्स को कंप्लीट करेंगे, देन फिर फाइनली फिर हमारी दो ब्लॉक्स रह जाएंगे जो कि हमारे कंप्लीट रिलेटेड है कॉरिलेशन से, टाइम से, इंडेक्स नंबर से। और दूसरी जो ब्लॉक्स रहती है हमारी, फोर्थ ब्लॉक, जो कि है आपके रिसर्च के टॉपिक से, कि हाइपोथेसिस क्या होता है, टेस्टिंग क्या होती है, टाइप वन टाइप टू एरर क्या होती है, काई स्क्वायर क्या होता है, यू टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। बट पहले हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे, सिंपल सा है, बट हाँ ये बेस है आपके बच्चे आपके यूनिट नंबर 8 के ऊपर। जो यूनिट नंबर 8 के अंदर हमने डिस्कस किया था ना कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, ठीक है, मीन क्या होता है, मॉड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, हार्मोनिक मीन क्या होता है, उनके ऊपर बेस है, राइट। तो उसको आगे की ओर बढ़ाया गया है इस चैप्टर के अंदर कि ये जो स्क्यूनेस है, वेरिएशन है, जिसको हम डिस्पर्जन भी बोला जाता है, ये कंसेप्ट उसको आगे बढ़ाएगा, ठीक है। सो देखो, मैं आपको सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर पे लेके चलती हूँ, क्योंकि एक सेकेंड, दिस वन। सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, हमने कंसेप्ट को डिस्कस किया था कि आपके पास बहुत बड़े फॉन्ट में क्या है, आपके पास डाटा है और उसमें से आपने क्या किया था, सेंटर पॉइंट ढूंढा था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरी क्लास के अंदर क्या है, 30 स्टूडेंट्स हैं और बच्चों ने टीचर ने मुझे पूछा कि आपकी क्लास का ओवरऑल रिजल्ट क्या है, तो मैंने कहा कि ऑन एन एवरेज मेरा 80% बच्चे क्या हुए मेरी क्लास में रिजल्ट आया। मीन्स कि कुछ बच्चों के क्या है नंबर 80% है, कुछ बच्चों के नंबर क्या है 80 से कम है, 78 हो सकते हैं, 77 हो सकते हैं, 71 हो सकते हैं, कुछ बच्चों के नंबर इससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, मेरे पास पूरा डाटा था और इस डाटा को मैंने क्या किया, उसका एक सेंटर पॉइंट को कैलकुलेट किया, उसको मैंने कहा सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अब ये जो 9th चैप्टर है वो बताता है कि ठीक है भाई, आपने सेंट्रल टेंडेंसी को माप लिया, इट्स ओके, बट सेंट्रल टेंडेंसी को मापने के बाद, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी को मापने के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको ये भी तो पता लगना चाहिए ना कि ये जो सेंटर पॉइंट आपने ढूंढा है, इस सेंटर पॉइंट से आपकी जो बाकी के इंफॉर्मेशन है वो कितनी दूरी पर है, मीन्स कि इनका डिस्टेंस भी तो पता होना चाहिए। सेंटर पॉइंट निकाला, इट्स ओके, देखो क्या लिखा हुआ है, अगर आप इस सीरीज का सेंटर पॉइंट निकालना चाहते हो सो आपके लिए कौन सा कंसेप्ट है, सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके अंदर हमने मीन, मोड, मीडियन, सिमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से निकालना सीखा था, है ना। बट अब डिस्पर्जन का मतलब क्या है कि डिस्पर्स कैसे कैसे हुए, मीन्स की जो सेंटर पॉइंट है, जो बाकी का डाटा है, किस तरीके से बिखरा हुआ है, कितनी दूरी पर बिखरा हुआ है, डायरेक्शन को बताता है भाई, कितनी डिग्री में बिखरा हुआ है उसको बताना डिस्पर्जन आता है, ठीक है, जिसको हम काफी सारे नाम से बोला जाता है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बोला कि आपको सेंटर पॉइंट से आपके बाकी के डिस्टेंस पे जितने भी डाटा है, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे क्या है, बीच में 8 है, मैं इस सीरीज का क्या निकाल लूँ, मैं मीन निकाल लूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया सेंटर पॉइंट को हम अर्थमेटिक मीन भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं, और एवरेज हमारा मीन के इक्वल होता है। मीन को कैसे निकालते थे, समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन, राइट। मैं इन सबका सम कर दूँ, क्या लिखा हुआ है, 6 और 5 9 9 और 6 15 15 और 7, मेरे पास 22, 22 प्लस 8 मेरे पास 30, 30 प्लस के 10 प्लस के 15, ये आ गया 55, राइट। कितना आया 55, नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। तो मैं इसको जब 7 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा कि 7.8777 आया, सॉरी 8577 आया। तो कहने का मतलब जो ये बीच का पॉइंट आया है ना बेटा, ध्यान से सुना, ये बीच का पॉइंट आया वो क्या है, वो है बच्चे आपका 7.86 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो, इसके आसपास 4 भी है, इसके आसपास 5 भी है, इसके आसपास 6 भी है, इसके आसपास 7 भी है, 8 भी है, 10 भी है, 15 भी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो 7.85 है, इनसे बाकियों की दूरी कितनी है, इस दूरी को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द डिस्पर्जन। दैट मीन्स डिस्पर्जन के अंदर हम केवल और केवल हम गैप को मेजर करेंगे कि हाँ जी गैप कितना है, राइट। समझ में आया कंसेप्ट, बिल्कुल सिंपल सा था, ठीक है। सो जब हमें डिस्टेंस मापना है तो हम डिस्पर्जन को डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ मैं ये कहूँ कि ठीक है भाई, आपको डिस्टेंस पता चल गया, इट्स ओके, बट आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। इसकी जो डाटा आपको गिवेन है, ये सेंटर पॉइंट है और इसके आसपास जो डाटा है वो डाटा क्या है, किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, अगर उसकी डायरेक्शन जाननी है तो हम स्क्यूनेस को जानने पड़ेंगे, ठीक है। ये आगे हमारे इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कहा कि मेरे को क्या जानना है, मुझे गैप जानना है। गैप को हम काफी सारे नामों से जानते हैं, क्या क्या है बच्चे, गैप को हम एक तो हम गैप ही कहते हैं,
एक हम वेरिएशन कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, एक हम डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है, एक हम क्या कहते हैं, हमारा कहने का मतलब इन सब का मतलब एक ही है कि सेंटर पॉइंट से बाकियों के पॉइंट्स की, बाकी डाटा की डिस्टेंस कितनी है, गैप कितना है, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जो गैप हो सकता है वो बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट भी मिल सकता है, इसकी आसपास बिल्कुल पास पास भी मिल सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर पॉइंट यहाँ है, कुछ डाटा यहाँ है, कुछ डाटा यहाँ है, कुछ डाटा यहाँ है, कुछ डाटा है, है ना। तो कहने का मतलब गैप बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है, गैप बहुत कम कम भी मिल सकता है। जैसे कि मैं कहूँ कि आप अगर डेली पढ़ाई करते हैं सो आपकी पढ़ाई में कोई भी गैप नहीं है, तो कोई भी गैप ना होना दैट मीन्स कंसिस्टेंसी हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही नहीं हो रही है, सो उससे रिजल्ट भी क्या होगा, बेटर निकल के आएगा। सो यहाँ पे सेम यही पैटर्न यूज होने वाला है कि अगर गैप हमारे पास क्या है, अगर गैप हमारे पास कम है सो हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर मेरे पास, मेरे को क्या लग रहा है, गैप बहुत ज्यादा है, मीन्स की जो सेंटर का पॉइंट है उससे बहुत ज्यादा दूर दूर क्या है, गैप है, तो यहाँ पे क्या कहूंगी कि कंसिस्टेंसी बहुत ही कम है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी और गैप के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, आपका नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अच्छा इसको एक और शब्द दिया गया है कंसिस्टेंसी के साथ साथ हमें एक और कोई बात की जाती है क्रेडिबिलिटी की, या फिर मैं कहूँ कि रिलायबिलिटी की, ठीक है, मीन्स कि इस डाटा के ऊपर विश्वास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैंने आपको ना लास्ट लेक्चर में सैंपल वाले चैप्टर के अंदर भी डिस्कस किया था कि जितनी बड़ी आपकी पॉपुलेशन है ना, अगर आप उसके इक्विवेलेंट या फिर उससे थोड़ा सा कम सैंपल को सेलेक्ट करते हो ना, तो इससे आने वाला रिजल्ट जो है ना वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं। क्यों, कहने का मतलब अगर मेरे पास सैंपल पॉपुलेशन में 1000 बच्चे हैं भाई, ठीक है, मेरी क्लास में 1000 बच्चे हैं, मैंने 1000 में से 900 के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और दूसरा केस मैं लेके चल रहा हूँ कि 1000 में से मैंने केवल 10 बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो किसके रिजल्ट पे भाई ज़्यादा फोकस करेंगे, किसके रिजल्ट पे आप ज़्यादा रिलायबल करेंगे, इसके ऊपर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो जो मैंने सैंपल उठाया ना, ये सैंपल ना इक्विलेंट है बेटे, ध्यान से सुनो, इक्विलेंट है आपके पॉपुलेशन से, तो जितना ज्यादा इक्विलेंट होगा उतना ज्यादा आपका डाटा रिलायबल होगा, उससे आने वाले रिजल्ट भी क्या होंगे, ज्यादा रिलायबल होंगे। क्या माइंड में पिक्चर क्लियर हो रही है, क्योंकि अभी ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी चैप्टर नंबर सैम्पलिंग में, राइट, तो सबको पता होगा। अच्छा सो कहाँ गया भाई, राइट, तो यहाँ पे जो इसी तरीके से अगर गैप आपका कम है तो रिलायबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, गैप आपका ज़्यादा है तो रिलायबिलिटी कम होगी। तो कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी के साथ अगर मैं गैप का रिलेशनशिप देखूँ तो वहाँ पे एक इनवर्स रिलेशनशिप क्रिएट होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आया डिस्पर्जन, वेरिएशंस, गैप क्या है, इनका मतलब ये होता है कि जो सेंटर पॉइंट से बाकी के डाटा की क्या निकालना, दूरी निकालना, मीन्स की डिस्टेंस निकालना, उसे हम कहेंगे डिस्पर्जन, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के मेथड्स दिए गए हैं कि क्या किस किस तरीके से हम डिस्पर्जन को कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ वेरिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नज़र आ रहा है मीनिंग ऑफ द वेरिएशंस आपको समझ में आ गया होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, यूनिट नंबर 8 के अंदर हमने सीखा था कि जो सेंट्रल जो सेंट्रल टेंडेंसी है वहाँ पर हमने मीन, मीडियन, मोड, आपको एक सिंगल, आप ये इनके थ्रू हम क्या कर रहे थे, एक इतने बड़े डाटा की एक सिंगल वैल्यू निकाल रहे थे और जो कि पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा था, है ना। बट रिप्रेजेंट करने से, कंप्लीट पिक्चर को रिप्रेजेंट करने से काम नहीं चलेगा, हमें यह भी देखना पड़ेगा कि डाटा की जो वैल्यू है किस तरीके से फैली हुई है, मीन्स के आसपास कितनी दूरी में फैली हुई है, ये भी हमें समझना होगा, और ये हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर क्या बोला गया, वेरिएशंस, हाउ मच द डाटा पॉइंट डिफर फ्रॉम द ईच अदर एंड द फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट। ये कह रहे कि कैसे ये डाटा सेंट्रल पॉइंट से दूरी पर है, ठीक है, कैसे ये एक दूसरे की दूरी पर, ये चीज़ें हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं। स्कैटर्ड पॉइंट कह सकते हैं हम, या फिर मैं कहूँ कि इसके दूरी कह सकते हैं, ठीक है। स्क्यूनेस के अंदर मैंने क्या बताया, अगर आपको क्या जाननी है, शेप जाननी है, डायरेक्शन जाननी है कि ये किस तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, ये नज़र आ रही है आपको नीचे, ये नीचे शेप नज़र आ रही है कि एक तरफ तो क्या हो रहा है, काफ़ी इधर साइड जा रहा है, एक तरफ क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है। हम इसकी शेप को जानेंगे कि डाटा किस तरफ मूव हो रहा है, ये हमें जानना है स्क्यूनेस में। कर्टिसिस का मतलब क्या होता है कि आपका डाटा, आपके डाटा के अंदर जो सेंसिटिवनेस है वो कितनी ज़्यादा, हाई है, कम है, कैसी है, मॉडरेट है, वो मीन्स की पीकडनेस, मीन्स की डाटा की ये होता है ना, एक तो ये बहुत लंबी जाए, ठीक है, एक क्या होता है ये बिल्कुल ऐसे जाए, एक होता है नॉर्मल बेल की तरह जाए, तो इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है, वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे।
सबसे पहले हम डिस्पर्सन का यहाँ पर, अब देखो एग्जाम में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मैम लिखना कैसे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन लिखना है कि ये चैप्टर सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर पे बेस है, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी में हमने ये डिस्कस किया था, सिंगल वैल्यू प्रेजेंट की थी पूरे डाटा में से, ठीक है। फिर उसका वेरिएशन का हम यहाँ से मतलब लिखेंगे कि वेरिएशन के डिस्पर्सन के अंदर क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है स्कैटर्डनेस, ठीक है, स्प्रेडनेस देखा जाता है, वेरिएशन चेकआउट किया जाता है, ठीक है, ओके। अगर मैंने कहा कि आपके पास लो वेरिएशन है, लो वेरिएशन का मतलब क्या है कि आपके पास रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी क्या है, ज़्यादा है, जो कि मैंने अभी बताई, ठीक है। अगर आपके पास हाई वेरिएशन है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा गैप है, तो कंसिस्टेंसी कैसी होगी, कम होगी। मैंने अभी बताया आपको कि इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इज इट क्लियर, इतना समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है, ओके जी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि इट्स अगेन मेजर मेजरिंग द वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट, ऐसा क्यों है, क्योंकि डाटा को हम कंपेयर कर सकते हैं, पहली बात तो ये, दूसरा हम इसकी कंसिस्टेंसी चेकआउट कर सकते हैं, तीसरा इसकी रिलायबिलिटी चेकआउट कर सकते हैं कि जो डाटा हमें दिया गया है वो रिलायबल है या नहीं है। अब मैं आपको एक सीरीज दूँ, ठीक है, एक सीरीज दी है, दो सीरीज दी है, तीसरी सीरीज दी है, तीनों के अंदर कंपेरिजन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका सब्जेक्ट सही है, ठीक है, रिसर्च मेथडोलॉजी है, अकाउंट फॉर मैनेजर्स है, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, एक स्टूडेंट है जिसके सब में क्या है, 50 नंबर 50 नंबर 50 50 50, टोटल कितने हुए, 250 हुए। मैंने कहा कि इनका भाई सेंटर पॉइंट निकाला, ये कहते हैं लो सर ये तो हमने निकाल दिया, इसका सेंटर पॉइंट निकला कि 250 अपॉन में 5 सब्जेक्ट है, कट कर दो 50 आ जाएंगे, मीन्स कि इसका सेंटर पॉइंट क्या है, 50 है, मीन्स कि यहाँ पे तो कोई गैप ही नहीं है, क्योंकि ये खुद 50 है, नंबर भी 50 है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्पर्सन कैसा होगा, वेरिएशन कैसा होगा, जीरो होगा। कहने का मतलब जब आपके पास क्या है मेन और बाकी जो नंबर से वो इक्वल हो, तो वहाँ पे डिस्पर्सन क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है कि जहाँ पर मैंने कहा कि एक के 70 नंबर आए, 50 नंबर आए, फिर 70, फिर 40, फिर 40, फिर 50, इनका भी टोटल भाई 250 है, तो ऑब्वियस ही बात है इसका भी डिस्पर्सन, इसका भी सेंट्रल पॉइंट क्या आएगा, 50 आएगा। बट यहाँ पर एक बात नोट करने की है, आप नोट करो, मैं नेक्स्ट पे पहुँच दूँ। नेक्स्ट पे कहते हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर 10 नंबर आए, क्योंकि थोड़ा सा टफेस्ट एग्जाम होता है MCO 03 का। अकाउंटिंग फॉर मैनेजर के अंदर क्या है, उसके 100 आए, 80 30 30, इसके भी यहाँ पे 250 आए, तो इसका भी मतलब क्या हुआ कि सेंटर पॉइंट क्या हुआ, 50 हुआ, राइट। बट आपको यहाँ पे एक चीज़ नोट करने के बारे में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो गैप है, देखो यहाँ पे 20 का गैप है, यहाँ पे 30 का गैप है, यहाँ पे 0 का गैप है, यहाँ पे 10 का गैप है, सो गैप इतना ज़्यादा नहीं है। बट यहाँ देखो 90 का गैप है, यहाँ पे फिर 20 का गैप है, यहाँ पे फिर 50 का गैप है, यहाँ पे फिर 0 का गैप है, देख पा रहे हो यहाँ पे क्या है, गैप क्या है, बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ऐसे दूर दूर है, राइट, बट यहाँ पे क्या है, नज़दीक मिल रहे हैं डाटा, है ना। तो यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि एक तो क्या है, जहाँ पर बिल्कुल भी डिस्पर्सन नहीं है, बिल्कुल भी हमारे पास क्या है, डिस्टेंस नहीं है, गैप नहीं है, दूसरे में कह रहे कि हमारे पास क्या है, लेस गैप है, लेस गैप नज़र आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कंसिस्टेंसी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे गैप कैसा नजर आ रहा है, आपको ज़्यादा नजर आ रहा है, तो कंसिस्टेंसी कैसी नजर आएगी, कम नजर आएगी, ठीक है। ये एग्जांपल ज़रूर देके आना है इससे, और छोटा एग्जांपल लेना चाहिए, चार शब्द चार लाइन का लेना चाहिए, पांच लाइन का लेना, जैसे आपकी मर्जी हो वो ले सकते हो, बट हाँ ये दिखाना है कि पिक्चर के थ्रू आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है आपके पास डिस्पर्सन को मेजर करने की ना, वैसे टेक्निकली वैसे आपको दो तरीके से दिया हुआ है। पहला क्या है, आपको एब्सोल्यूट मेजर ऑफ द वेरिएशंस है, ठीक है, वेरिएशंस है। नेक्स्ट क्या है, रिलेटिव मेजर ऑफ द वेरिएशंस है। कहने का मतलब कि जो गैप है उसको मेजर किया जा रहा है, एक तो एब्सोल्यूट पॉइंट से, एक रिलेटिव से। आपने शब्द पहले भी सुनेंगे, एब्सोल्यूट का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू, कि इसकी भी यूनिट सेम है, इसकी भी यूनिट सेम है। जब दोनों की यूनिट सेम होती है तब हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट पॉइंट नहीं बताते। जैसे मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके प्लस टू के अंदर मार्क्स कितने आए थे, तो आपने कहा कि मैम मेरे जो मार्क्स है 400 आए हैं आउट ऑफ द 500। तो यहाँ पे क्या है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, इनको तो मैं कंपेयर कर रही हूँ ईजिली, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। जैसे मैं और एग्जाम्पल ले सकती हूँ, जैसे मैं कोई भी लिक्विड फॉर्म में कोई भी सामान खरीदूँ, तो वो लीटर में मेजर किया जाता है, तो वहाँ पे क्या है, लीटर लीटर दोनों सेम होने वाले हैं। अगर मैं कहूँ कि इसको मैं किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक अ परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेट हो गया, रेशियो हो गया, जब मैं इनकी फॉर्म को कन्वर्ट कर रही हूँ, मीन्स के रिलेटिव पॉइंट्स दिखा रही हूँ, तो उसे हम कहेंगे रिलेटिव मेजरमेंट्स,
राइट, जहाँ पे यूनिट दोनों कॉन्सेप्ट की यूनिट्स क्या होती है, डिफरेंस होती है। यहाँ पे देखो परसेंटेज होगी तो यहाँ पे नंबर है, तो मैंने कहा कि कितने परसेंट नंबर आए, आप कहेंगे मैम 80% नंबर आए। सो यहाँ पे नंबर है, ये परसेंटेज है। तो वेरिएशंस को क्या किया जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। इसके बेसिस पे फर्दर क्या किया गया, फिर डिवाइड किया गया। एब्सोल्यूट के अंदर क्या है, रेंज आता है, ठीक है, रेंज आपका इसमें अंदर टाइप है, और ये रिलेटिव मेजरमेंट्स के अंदर आपके बाकी है क्वार्टाइल डेविएशंस, मीन डेविएशंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ठीक है, आपका सेकंड मोमेंट ऑफ द डेविएशंस, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ें कि रेंज क्या होता है। सिंपल लग रहा है अभी तक, कोई मुश्किल लग रहा है तो, मुश्किल लग रहा है तो प्लीज बताना, मैं और अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगी, राइट। कोई डाउट हो तो भी वो भी कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। अच्छा जी, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, कि वेरिएशंस क्या होते हैं, जिसको हम डिस्पर्जन गैप इनको बोला जाता है, इनका कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ये चार्ट आपको बना के दिखाना होगा, ठीक है। इनके टू टाइप्स है, अब इनके याद रखो आगे फर्दर टाइप्स दिए हुए हैं कि वेरिएशंस को किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, इनकी गैप कितना है, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है रेंज, बहुत आसान सा है। रेंज से मतलब क्या समझते हो, कि आप कोई भी, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक ना वाटर पाइप खरीदी है, ठीक है, इसकी रेंज कितनी है, कि अब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो पानी कितनी दूर फेंक रहा है ना, मीन्स की गैप नज़र, गैप को मेजर किया जा रहा है कि कितने मीटर पे फेंक रहा है, 10 मीटर फेंक रहा है या बिल्कुल ही पास ही फेंक रहा है ये, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं रेंज प्रोवाइड कर रही हूँ, मीन्स की एक पर्टिकुलर गैप को फाइंड आउट कर रहा है। सो मैंने क्या किया कि जैसे मैंने आपसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या हो सकता है, कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके अकाउंट्स में नंबर कितने आ सकते हैं। आपने क्या कहा कि मैम अप्रोक्स टू मिनिमम मेरे 60 आ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स मेरे 70 आ सकते हैं। तो ये मिनिमम पॉइंट दिया, ये मैक्सिमम पॉइंट दिया। तो रेंज के अंदर हमें इन दो पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम कहेंगे एक्सट्रीम पॉइंट, राइट। कि एक तो स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट, इनके बीच का जो गैप होगा वो हमारा रेंज है। समझ में आया क्या, सिंपल सा है कि रेंज क्या है, बीच का गैप है, जिसको जो कि यूज होता है विद द हेल्प ऑफ द दो एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट दैट मींस वन इज द मिनिमम एंड सेकंड इज द मैक्सिमम। इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 10 है, तो ये आपकी रेंज हो गई है। सिंपल सा ये तो हो गया बेटे आंसर आपका एब्सोल्यूट में। अगर मैं कहूँ कि इसका आंसर रिलेटिव में निकालना है, तो हम क्या करेंगे इन्हीं का बेस लेंगे और उनको प्लस करके दिखा देंगे। देखो पढ़ो क्या कहते हैं, रेंज क्या है। रेंज इज द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ द वेरिएशन, इट इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। जो आपका डाटा दिया हुआ है ना, उसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, है ना। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया आपकी मिनिमम कितने की रेंज, रेंज का मतलब ही गैप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं इन द अदर वर्ड टू शो द स्प्रेड ऑफ द डाटा सेट बाय द प्रोवाइडिंग द एक्सटेंट ऑफ द वेरिएशंस बिटवीन द एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू आपको समझ में आई होगी, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू मैंने कहा मेरी 70 है, लोएस्ट मेरे नंबर आ सकते हैं 60, तो मीन्स की 10 का गैप बीच में नजर आ रहा है कि हाँ ये आपकी लीड बना भी सकता है, ये गिरा भी सकता है, है ना। अच्छा फीचर्स हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे ये यूज होते हैं तीनों सीरीज के अंदर। आई होप आप सभी ने, मेरे हिसाब से सभी ने लास्ट लेक्चर सभी ने देखा होगा कि जहाँ पर हमने डिस्कस किया था इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यू सीरीज। अभी फिर भी नहीं आपको माइंड में है तो मैं रिकॉल करवा देती हूँ। देखो इंडिविजुअल सीरीज होती है जहाँ पर आपको केवल एक सीरीज दी हो, जिसको हम कहते हैं एक्स, राइट। डिस्क्रीट होता है जहाँ पर आपको इंडिविजुअल वेरिएबल सीरीज भी दी जाती है, साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि ये पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। समझो इस बात को, मैंने कहा कि मेरी क्लास में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों के मैंने कहा कि नंबर आए हुए हैं, ये मार्क्स है, ठीक है, ये क्या है, मार्क्स है। मैंने कहा कि 8 नंबर ना 3 बच्चों के आए हुए हैं, सोनम के आए हुए हैं, सुरभि के आए हुए हैं, स्नेहा के आए हुए हैं, ठीक है। सो ये जो 8 नंबर है 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ये फ्रिक्वेंसी है बेटा, ठीक है। कंटिन्यू सीरीज का मतलब क्या है कि लगातार चलती रहती है। मैंने इसको क्या कर दिया, रेंज दे दी है कि 0 से 10 है, इनके बीच के जो गैप है वो इक्वल रहने वाला है। तो इस तीनों सीरीज में हम रेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने अभी आपको बताया, क्या कि आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है और जो मिनिमम वैल्यू, इन दोनों के बीच का गैप होगा ना, वही आपकी रेंज होगी। देखो अब यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या नजर आ रही है, भाई मेरे को तो सबसे हाईएस्ट क्या नजर आ रही है, ये आ रही है मैक्स टू मैक्स वैल्यू, ये है। मिनिमम वैल्यू क्या है आपके पास, ये वाली है, ठीक है। डिफरेंस निकाल दो भाई, 30 माइनस 10 This is the 20, so simple. अच्छा डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा, मैम भी तो इसमें फ्रिक्वेंसी दी हुई है, भाई फ्रिक्वेंसी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए दे रखी है। इन दोनों केसेस के अंदर फ्रिक्वेंसी का कोई भी रोल नहीं है, तो क्या मैम इसमें भी हाईएस्ट और लोएस्ट लेंगे,
यस बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, ये है मैक्स टू मैक्स वैल्यू, ये है मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू, दोनों का डिफरेंस 17 माइनस के 8, दिस इज द 9, राइट। अच्छा इसमें क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, भाई मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारी 50 है, सो सिंपल, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 0 है, तो हम क्या करेंगे 50 में से 0 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। कितना सिंपल था, लग रहा है सिंपल। अच्छा अगर मैंने कहा कि इसका कॉफिशियंट ऑफ रेंज निकालें, मीन इसकी रिलेटिव वैल्यू निकालें, एक बात ध्यान रखना इस बात को कि जब हम रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं, कॉफिशियंट ऑफ वेरिएबल्स, राइट। कॉफिशियंट ऑफ क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। अगर मैंने कहा कि इसका मेरे को कॉफिशियंट ऑफ वेरिएबल्स निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा, कॉफिशियंट ऑफ वेरिएबल निकालने के लिए इसके लिए हमने क्या किया, मैक्सिमम माइनस के मिनिमम किया, मैक्सिमम माइनस के मिनिमम किया, यहाँ पे भी मैक्सिमम माइनस के मिनिमम किया। जब हम कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशंस निकाल रहे हैं तो उस टाइम हम क्या करने वाले हैं, ये सेम एज इट इज लेने वाले हैं, मैक्स माइनस के मिनिमम, ठीक है, अपॉन में क्या करने वाले हैं, यही सेम एज इट इज होने ना, मैक्सिमम माइनस, माइनस नहीं होगा बट यहाँ पे प्लस हो जाएगा, सिंपल सा है। मीन्स के ऊपर 20 है तो नीचे क्या होगा, 30 प्लस के 10 करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 20 अपॉन में 40, कट करेंगे तो ये आ रहा है 1/2 और ये इक्वल है 0.5 के, राइट। ओके सेम इस तरीके से यहाँ पे करेंगे, ऊपर 9 आ रहा था तो 17 प्लस के 8 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 25 आएगा, यहाँ पे 9। अगर मैं इसको तो क्या कर रही हूँ, कैलकुलेटर की मदद से मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो यहाँ पे आएगा 0.36 आ रहा है। सेम इस तरीके से 50 है ऊपर, नीचे भी 50 होगा तो ये आएगा 1। ओके सो यहाँ पे कहने का मतलब, जब भी हम कॉफिशेंट ऑफ रेंज निकालेंगे तो उसका आंसर है ना बच्चे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो हमेशा क्या होगा, माइनस के 1 से लेकर प्लस के 1 के बीच में ही आएगा, राइट। आप कोई भी क्वेश्चंस निकाल रहे हो, अगर आपको कॉफिशेंट ऑफ रेंज निकालने के लिए बोला है तो उसका आंसर माइनस के 1 और प्लस के 1 के बीच में आएगा। ऐसा क्यों है, ये बहुत ज़्यादा लंबे प्रोसेस, उसके जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इसको याद रख लेना कि आर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस के 1 प्लस के 1 के बीच में आएगा, ठीक है। अगर इन केस इससे ज्यादा आ रहा है, इससे बहुत कम आ रहा है, तो दैट मींस गड़बड़ है आपके क्वेश्चन में, उसको ठीक करना पड़ेगा, आपकी मिस्टेक है, ठीक है। रेंज पता है कंप्लीट हो गया है, सिंपल सा था, है ना। अब इसकी ये पढ़ेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म है, एक्सट्रीम वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, जल्दी से हमें वैल्यू मिल जाती है, क्या हमारी भी मिल गई है, बट ये अगर आपको ज्यादा बड़ा डाटा दिया हो ना, वहां पे सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डाटा, राइट। उम्मीद करेंगे आपको ये रेंज क्लियर हो गई कि रेंज होता क्या है। अच्छा अब यहाँ पर देखो, रेंज तो कंप्लीट हो गया, बट आपको एक चीज नजर आई कि रेंज के अंदर काफी सारी डीमेरिट्स हैं। सबसे पहली बात इसके अंदर तो डीमेरिट्स मुझे लगी वो क्या थी, ये केवल और केवल आपकी अपर लिमिट, जिसे मैं कह सकती हूँ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, इन दोनों के ऊपर बेस है भाई, बीच वाली वैल्यू को कोई मतलब कोई वैल्यू नहीं है इनकी, तो अकॉर्डिंग टू द रेंज के हिसाब से, तो यहाँ पे डीमेरिट्स ये हुई। दूसरी डीमेरिट्स ये हुई कि यहाँ पर इसको हम क्या कह सकते हैं कि सभी के सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस नहीं है। दूसरी डीमेरिट्स क्या हुई कि यहाँ पर ना तो मीन का यूज हो रहा है, ना मोड का यूज हो रहा है, ना मीडियन का यूज हो रहा है, भाई किसी का भी यूज नहीं हो रहा है ना, नहीं यूज हो रहा ना। अच्छा तीसरी डीमेरिट्स क्या थी, यहाँ पर जो रेंज ऑफ कॉफिशियंट है वो नेगेटिव में भी आ रहा है, पॉजिटिव में भी आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये इसके डीमेरिट्स बन रही। इन डीमेरिट्स को राइट ऑफ करने के लिए या फिर शॉर्टकमिंग को कवर करने के लिए एक नया कंसेप्ट आया जिसको हम कहेंगे मीन डेविएशंस। मीन डेविएशंस ने जितनी भी शॉर्टकमिंग्स थी, जितनी भी ड्रॉबैक्स थे किसके, आपके रेंज के, उनको ऑब्जर्व किया और उनको रेक्टिफाई किया। पहली बात तो उन्होंने कहा कि जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं मैं उन सब के ऊपर बेस्ड होऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं बेस्ड था, आपका रेंज नहीं था, ठीक है, ये इसकी डीमेरिट्स है रेंज की, ठीक है। तो ये पे कहते हैं कि आपके रेंज के बाद यही एक ऐसा मेथड है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्शन कहते हैं, जो कि पॉपुलर है किस नाम से, मीन डेविएशन के नाम से, जिसने रेंज की जितनी भी कमियां थी उनको क्या किया था, रेक्टिफाई किया था, उसने इम्प्रूव किया था, रिमूव किया था शॉर्टकमिंग ऑफ द रेंज मेथड ऑफ द डिस्पर्शन, सच एज द यूज ऑल द ऑब्जर्वेशन, इसने सारी ऑब्जर्वेशन को यूज किया, इसने इग्नोर किया पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन को। मैम इग्नोर कैसे हो सकता है, इग्नोर बच्चे आपका मोड लगा के भी हो सकता है या फिर कुछ और तरीका हो सकता है। मोड का मतलब होता है कि अगर बीच में अंदर क्या है, मैं नेगेटिव का साइन है ना, तो वो बाहर ही, इस मोड को जब हम सोल्व करेंगे तो वो पॉजिटिव का ही निकलेगा, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ठीक है। यहाँ पे इसने कहा कि मैंने मीन मोड और मीडियन
हम मैंने तीनों का क्या किया है, यूज किया है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, बट इसमें ना इसकी भी कमी है, मैं आपको कमी बताऊंगी जिसकी वजह से नेक्स्ट कंसेप्ट आया, बट पहले हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे ये तीनों मेथड्स के ऊपर बिल्ड है। देखो जो यहाँ पे कहते हैं कि जो मीन डेविएशंस हैं हम तीनों सीरीज से निकालेंगे। तीनों सीरीज का मतलब समझ में आ गया कि एक तो इंडिविजुअल सीरीज होती है, एक आपकी डिस्क्रीट सीरीज होती है, एक आपकी कंटिन्यू सीरीज होती है। अब इसने कहा मैं मीन का भी यूज़ करूँगा, मैं मोड का भी यूज़ करूँगा, मैं मीडियन का भी यूज़ करूँगा। सो ऑब्वियस ही बात है, तो जो वैल्यू निकल के आने वाली है वो इनकी हेल्प से होने वाली है ना। सो इस वजह से इसका जो फॉर्मूला बनने वाला है ना, वो क्या निकलने वाला है, डी एक्स अपॉन में एन। आपको अगर याद हो कि जब हम मीन निकालते थे उसका फॉर्मूला क्या होता था, डी एक्स अपॉन में एन होता था या नहीं होता था, समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एन। याद करो, सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर पे चलते हैं, देखो लिखा हुआ था, नहीं लिखा हुआ था मैंने, जस्ट अ सेकेंड, देखो लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, समेशन ऑफ द x अपॉन में n। या भी मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर अगर मुझे शॉर्टकट मेथड से करना है तो a प्लस के समेशन ऑफ द dx अपॉन में n है या नहीं है। तो सेम इस तरीके से यहाँ पर भी इसको बेस माना गया है कि आपको जो मेन डेविएशंस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का a भी है। तो यहाँ पे इसने कहा है कि आप ये फॉर्मूला कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ नेगेटिव साइन की प्रॉब्लम थी ना रेंज के अंदर, कहते मोड लगा दो सभी प्रॉब्लम फिनिश हो जाएगी, कहते ठीक। अच्छा, तो अब आपको आपको रिकॉल हो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ये चैप्टर है ना पिछले वाले चैप्टर के ऊपर बेस है, राइट। तो मैंने कहा कि ये जो dx है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम कैसे निकालते थे कि हमारे पास सीरीज दी होती थी, उस सीरीज में से हम क्या करते थे, एक एज्यूम्ड मीन मानते थे, और ये x की सीरीज में से ये इस एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देते थे, मीन्स की x माइनस का a करते थे, है ना। बट यहाँ पर जो dx निकालने वाले हैं वो निकालने वाले विद द हेल्प ऑफ द, आप x की सीरीज में से आप मीन को माइनस करेंगे, आप x की सीरीज में से आप क्या कर सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं, आप x की सीरीज में से आप मोड को यूज भी कर सकते हैं, मीन्स की तीनों मेथड को यूज करके आप क्या कर सकते हो, मीन डेविएशन निकाल सकते हो, राइट। अच्छा, यहाँ पर देखो एक बात है कि जब आप dx निकाले ना, तो उसमें पहले पॉइंट पे मैंने क्या किया, मैंने मीन का यूज किया, दूसरा मेथड मैंने क्या यूज किया, मैंने मीडियन का यूज किया, तीसरा मेथड मैंने क्या यूज किया, मैंने मोड का यूज किया, राइट, ठीक है। प्रूफ करके दिखाते हैं कि क्या जब मैं dx निकाल रही हूँ, क्या इनकी वैल्यू तीनों मेथड से सेम आएगी या नहीं आएगी। अगर नहीं आ रही तो एग्जाम के अंदर हमें कौन सा बेस्ट मेथड हमें यूज करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। क्वेश्चन क्या है कि मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है बच्चे आपको, मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है आपको किससे, आपको मीन से भी करना है, मीडियन से भी करना है, मोड से भी करना है। सबसे पहले आपके दिमाग में एक फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि मीन डेविएशन का फॉर्मूला है क्या। मैंने कहा कि समेशन ऑफ डी एक्स है और अपॉन में एन है, ठीक है। एन तो मेरा क्या है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, ओके, 7 क्लियर है, ओके जी। अब मैं डी एक्स निकाल रही हूँ, सबसे पहले मेथड है कि मैं मीन निकालूंगी, ठीक है, मीन्स की एक्स बार निकालूंगी, फिर उसके थ्रू मैं dx निकालूंगी। मीन निकालने का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। अब मैम, मीन निकालने का फॉर्मूला आपने बताया था, अगर आप सिंपल मेथड यूज़ कर रहे हैं क्या, कि समेशन ऑफ x अपॉन में n, इसका मीन का फॉर्मूला था, ओके जी। देखो मैं इसको प्लस करूँ, 6, 5, 11, 11 और 8, 19, 19 और 22, 19 प्लस के 22 आपके हैं 41, 41 प्लस के 12 प्लस के 15, तो ये आया बच्चे आपके पास 68। अब मेरा 68 तो आ गया, ठीक है जी। अब मेरे को क्या करना है, 68 को मुझे यहाँ पुट करना है, अपॉन में 7 करना है, जिसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, डिवाइड करूँगी 7 से, तो मेरे पास क्या आया, 9.71 आया। मीन्स कि ये जो मीन आया ना मेरे पास 9.71, इसको मुझे सॉल्व करना है dx के साथ, मीन्स कि x में से मुझे 9.71 को लेस करना है, ठीक है, क्योंकि मेरा मीन यही निकला है। सो इसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप लिख लेना अपनी कॉपी में, 3.7 आया है, क्योंकि इसके साइड में मोड लगा हुआ था तो माइनस का साइन पॉजिटिव में क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ पे 3.7, नेक्स्ट जाएगा आपके पास 1.7, नेक्स्ट जाएगा 0.3, नेक्स्ट जाएगा 2.3, नेक्स्ट जाएगा 2.3 ही आएगा, और फिर आएगा 5.3, क्लियर है। इन सब का समेशन करना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, समेशन ऑफ द डी एक्स चाहिए, राइट। तो मैंने इसको समेशन किया, समेशन ऑफ डी एक्स किया मोड के साथ, तो मेरे पास 20.3 आया,
ठीक है। सो पहले केस में मेरे पास 20.3 आया, कौन डी एक्स डैश, ठीक है, डी एक्स मेरे पास कितना आया, तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा बेटे 20.3 डिवाइड बाई 7, तो ये आ चुका है आपके पास 2.9 वैल्यू आई। क्लियर है, मीन्स कि जब मैंने मीन को यूज किया फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मीन डेविएशन, तो मेरा वहां पर जो जो डेरिवेटिव ऑफ द एक्स आया वो क्या था, 20.3 था, और वहां से मुझे मेरा मीन जो है मीन डेविएशन जो क्या है 2.9 है। अच्छा, नेक्स्ट मैं मेथड यूज कर रही हूँ जहां पर मैं यूज करूंगी आपके मीडियन का, ठीक है। मीडियन सबसे पहले बताओ कैसे निकालते हैं, मीडियन बच्चे बताओ कैसे कहते हैं, इंडिविजुअल सीरीज है तो मैम क्या करते थे, हम एन प्लस के 1/2 करते थे। अच्छा, एन कितना है, 7 है, 7 प्लस के 1/2 करेंगे तो मेरे पास क्या इतना आंसर आएगा, 8/2 आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा। मीन्स की फोर्थ आइटम पे जो भी नंबर है वो मेरा क्या है, मीडियन है। फोर्थ आइटम पे मेरा ये वाला नंबर है, मीन्स की 10 मेरा क्या है, मीडियन है, कि जो डी एक्स निकलने वाला है मोड के साथ वो क्या निकलने वाला है, एक्स में से मुझे 10 को माइनस करना है। सिंपल सा है, 5 में से मैं 10 को माइनस करूं तो मेरे पास माइनस के 5 आएंगे, तो माइनस तो लगा ही नहीं है क्योंकि मोड लगा हुआ है, रीजन है इसकी वजह से, ऐसे नहीं मना कर रही मैं, ठीक है। देन यहाँ पे 4 आएगा, देन यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, देन 5। इसका भी समेशन कर लो भाई, समेशन ऑफ डी एक्स क्या आएगा, मेरे पास बच्चे यहाँ पे 20 आएगा। अच्छा, जब मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया है, मीडियन का यूज किया है, तो वहां पे मेरे पास क्या है, 20/7 आया, जिसकी वजह से 20/7 आया, तो मेरे पास क्या है, 2.8 मेरा मीन डेविएशन है, 2.857, ठीक है जी, समझ में आ गया। अच्छा, आप देख पा रहे होंगे कि जो आंसर है वो बिल्कुल अलग अलग आ रहा है, कि जब मैंने मीन को यूज किया तो मेरा आंसर थोड़ा सा चेंज आया, मैंने मीडियन को यूज किया तो मेरा आंसर थोड़ा सा और कम आया, अब मैं क्या कर रही हूँ, मोड का यूज कर रही हूँ। मोड कैसे निकालना है, मीन्स की जो डी एक्स है ना बच्चे, आपको मोड डी एक्स है वो क्या निकलने वाला है, एक्स माइनस के मोड के थ्रू निकलने वाला है। अच्छा, मोड का मतलब क्या होता है, जब इंडिविजुअल सीरीज में मैंने डिस्कस किया था, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज, राइट, क्या हमने यही डिस्कस किया था, कि जो हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू होती है वो इस सीरीज की क्या है, वो इस सीरीज की, सॉरी हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू, क्योंकि वो डिस्क्रीट में होती है हाईएस्ट वैल्यू, सॉरी फॉर दैट, जो रिपीटेड वैल्यू है एक्स सीरीज में, मेरे को नजर आ रहा है कि 12 जो है बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो मेरा 12 क्या है आपके पास, यहाँ पे मोड है, ये क्या था आपके पास, मीडियन था, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में क्या था मेरे पास, मीडियन था 9.71 मीन, है ना, तो मेरे को 12 क्या निकल के आया मेरे पास, मेरे पास मोड निकल गया, तो एक्स के सीरीज में से मुझे माइनस करना है, सीधा सीधा माइनस कर दो, 7 आएगा इसको, 6 आएगा, देन 8 में से मैं 12 को माइनस करूंगी तो मेरे पास 4 आएगा, 10 में से 12, तो यहाँ पे 2, 0, 0, यहाँ पे आएगा 3, इसको मैं प्लस करूंगी तो मेरे पास 22 आया, ठीक है। क्या ये समेशन ऑफ डी एक्स की पॉइंट है। अच्छा, मैंने इंडिविजुअल सीरीज में तीनों को अप्लाई करके दिखाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल सा रहेगा, ठीक है, और मैं फिर आपको बताऊंगी किस मेथड से हमें बेटर रहेगा निकालना। अब मेरे को क्या करना है, यही सेम फॉर्मूले में अप्लाई करना है, कि 22/7 को मैं इससे जब डिवाइड कर रही हूँ, कि 22/7 मैं डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, 3.14 मेरे पास क्या है, मेन डेविएशन आ रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये कमी है, किसकी, मीन डेविएशन की कमी है, कि जब भी वो क्या करने वाला है, तीनों मेथड, इसने बोल तो दिया कि मैं तीनों मेथड को बेस मानूंगा, सभी ऑब्जर्वेशन पे मैं बेस मानूंगा, तो ये इसके कारण इसके अंदर कमी नजर आई, कि जब भी आप तीनों मेथड को यूज कर रहे हो तो आपकी जो वैल्यू है ना बच्चे वो डिफरेंट डिफरेंट आएगी, है ना, नजर आ रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आएगी, ये अभी तक हमने इंडिविजुअल सीरीज में अप्लाई करके दिखा। सो दैट्स अ रीजन, इसमें ये कंसेप्ट को माना गया है कि जब भी आप मीन डेविएशन निकालें, या तो आप मीन से निकालें, ठीक है, या फिर आप मीडियन से निकालें, अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि आपको मीन डेविएशन कहाँ से निकालना है, तो उस टाइम पे आप केवल और केवल मीडियन का ही यूज करेंगे, मीन्स की पहले मीडियन निकालेंगे, मीडियन निकाल के डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है, जहां पर आपको, अगर मैं कहूँ मीन डेविएशन निकालना है डिस्क्रीट सीरीज में, तो वो भी सिंपल सा है। अब क्या करना है, जैसे हमारे पास इसका फॉर्मूला था, इसके अंदर एफ लग जाता था, तो सेम इसमें भी एफ लगेगा, मीन्स की जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, सो सिंपल। तो यहाँ पे भी क्या है, सिंपल है कि समेशन ऑफ द डी एक्स तो ठीक है, पर साथ में एफ से मल्टीप्लाई होगा, सेम इस तरीके से यहाँ पे एफ से मल्टीप्लाई होगी, बट जो डी एक्स है ना, पहले आपको कंटिन्यू सीरीज में क्या निकालना होता था, फर्स्ट स्टेप इज द कैलकुलेट द मिड वैल्यू निकालनी होती थी,
ठीक है, इस मिड वैल्यू को हम ना काफ़ी तरीके से निकाल सकते थे, मीन्स की जो मीडियन है हम काफ़ी तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे पास डायरेक्ट मेथड भी है, शॉर्टकट मेथड भी है, स्टेप डेविएशन भी है, जैसा भी आपको प्रेफरेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ओके अच्छा, तो चलो अब डिस्क्रीट सीरीज में भी दिखा देते हैं कि मीन डेविएशन हम कैसे डिस्क्रीट सीरीज में निकालेंगे। डिस्क्रीट सीरीज में देखो, पहले आपको ना मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि मैम हमने पढ़ा था कि समेशन ऑफ मोड डी एक्स था, ये आपका कब था कि जब मेरे पास सीरीज इंडिविजुअल होती थी, मेरे पास जैसे ही फ्रीक्वेंसी ऐड हो रही है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ डी एक्स लगाना पड़ेगा और नीचे एन लगाना पड़ेगा। क्या हमने ऐसे ही डिस्कस किया था या नहीं किया था? यस ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज। अब मैं सीधा आपको मीन डेविएशन निकालूंगी, ठीक है, सॉरी मीडियन से कैलकुलेट करके बताऊंगी, बाकी मेथड से आप खुद कैलकुलेट करना, ठीक है। ओके तो यहाँ पर देखो मीन डेविएशन के अंदर सबसे पहले मैंने कहा कि मेरे को क्या ये फॉर्मूला है तो मुझे डी एक्स निकालना है। डी एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस के, मैंने कहा मैं मीडियन का यूज़ करने वाला हूँ। सो ऑब्वियस है, सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होना चाहिए कि मैं मीडियन निकालूँ। अच्छा, मीडियन निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, मीडियन निकालने के लिए मेरे पास सबसे पहले मुझे सी एफ कैलकुलेट करना होता था, नहीं होता था सी एफ, दैट मीन्स इनका समेशन, कि पहले 3 यहाँ पे प्लस करो, 8 को यहाँ पे प्लस करो 16 को यहाँ पे प्लस करो 21 को यहाँ पे प्लस करो, यहाँ पे आ जाएगा 25। क्लियर है? अच्छा, जैसे ही मेरे पास सी एफ आ जाएगा उसको मैं क्या कहती थी, एन प्लस के 1/2 हमें कैलकुलेट करना होता था, नहीं होता था? यस बच्चे, ठीक है। अब मेरे पास कितना आया, 25 प्लस के 1/2, तो कितना हो गया 26/2। जैसे ही मैं 26 को यहाँ पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 13 आएगा। ठीक है, अब ये जो मीडियन आ तो गया है, इट्स ओके, बट मीडियन आ तो गया है, हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसको 13 को मेरे को क्या देखना है, सी एफ में देखना है। मैंने देखा कि यहाँ पे इसकी मैक्सिमम ये मिनिमम है तो हम इसको देखते होल्ड करते थे। अच्छा, 16 के सामने जो भी इसकी वैल्यू है 12, ये मेरे पास क्या आएगा, मीडियन आएगा। सो एक्स में से मुझे क्या करना है, 12 को करना है माइनस, तो मेरे पास ये क्या निकल के आएगा, डी एक्स मोड आ जाएगा। तो चलो, तो माइनस के 2 आएगा तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। अच्छा, एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एफ डी एक्स ये मोड लिखा हुआ है। सो इस आइटम को 3 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 6 हो गया। 5 को मुझे 1 से मल्टीप्लाई करना है, 5 हो गया। 8 को मुझे 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0 हो गया। 5 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 10 हो गया। 4 को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, 12 हो गया। देखो, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, अगर पैटर्न समझ में आ जाए तो बहुत आसान ये टॉपिक है। समझ में आया ओके ठीक है। नेक्स्ट जाता है आपके पास, नेक्स्ट एक सेकेंड, एक सेकेंड 12 में से 7 गया, 17 गया, 5 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 आएगा, ठीक है। अच्छा चलो, इसकी मैं कैलकुलेशन करती हूँ, क्या है, 6 प्लस के 5 प्लस के 10 प्लस के 20, तो ये नज़र आ रहा है आपको 41, राइट। तो मेरे पास सभी कंसेप्ट निकल के आ गए, एफ समेशन ऑफ डी एक्स भी निकल कर आ गया है, नीचे मेरे पास एन भी है। एन कितना है मेरे पास है एन 25 है, ये कितना है 41 है। इसको सिंपल सा है कि मैं इसको क्या कर दूँ, 41 डिवाइड में 25, तो ये निकल कर आएगा 1.64। क्या है ये मेरे पास मेन डेविएशन है, राइट। अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम जैसे हमने रेंज के अंदर कॉफिशियंट ऑफ द रेंज निकाला, क्या हम मेन के अंदर भी कॉफिशियंट ऑफ निकालेंगे? यस, बट फर्क पता है क्या रहेगा कि जिस भी मेथड को आप यूज कर रहे हो ना डी एक्स निकालने के लिए, ध्यान से सुनना, जिस भी मेथड को यूज कर रहे हो, चाहे आप मेन को यूज कर रहे हो, मीडियन को यूज कर रहे हो, मोड को यूज कर रहे हो, उसी को ही आपको क्या करने पड़ेगा, मेन डेविएशन के जो आंसर आया ना मेन डेविएशन, उसी से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरा क्या है, मेन डेविएशन क्या आया है, मेन डेविएशन आया 1.64 आया। मैंने किससे कैलकुलेट किया है, मैंने मीडियन से कैलकुलेट किया, तो मुझे मीडियन से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, मीडियन मेरा कितना आया है, 12 आया है। तो जैसे ही मैंने इसको 1.4 को मैं डिवाइड करूँ 12 से, तो मेरे पास क्या आएगा, 0.136 नज़र आ रहा है। रेंज किस में आ रहे हैं, पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 के बीच में आ रहे हैं, राइट। ओके अच्छा, क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी उठ रहा होगा, मैम अगर मैंने मीन से निकाला होता तो, कोई बात नहीं, मीन को यहाँ पुट कर देते। अगर मैंने मोड से निकाला होता तो, यहाँ पे मोड की वैल्यू पुट कर देते। सो सिंपल, समझ में आया क्या? ओके,
डिस्क्रीट सीरीज में भी आया समझ में। अच्छा कंटिन्यू सीरीज में पहुंचते हैं। कंटिन्यू सीरीज में कुछ नहीं है, सेम पैटर्न यूज करना है। पहले आपको क्वेश्चन का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ, समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन में एन ए, सेम फॉर्मूला है। बट आपको यहाँ पर पहले सीरीज निकालनी पड़ेगी कि x माइनस में जो मीडियन में माइनस करने वाला हूँ, पहले x की सीरीज निकालनी पड़ेगी। दैट मीन्स यहाँ पर इसकी मिडल वैल्यू, इसको m से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको x से भी डिनोट कर सकते हैं। कैसे निकालते थे कि मैम अपर लिमिट प्लस के लोअर लिमिट अपॉन में टू करते थे। मीन्स की 8 प्लस के 4 बटे में 2, 12 बटे में 2 कितना हो गया, 6 हो गया, है ना। क्या आपको यही आ रहा है आपका भी, देखो करके दिखाती हूँ कि 8 प्लस के 4 अपॉन में 2, 12 बटे में 6, 12 बटे में 2 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्या है, 12 प्लस के 8 अपॉन में 2, तो यहाँ पे 20 अपॉन में 2, तो यह कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो मुझे पता है नेक्स्ट क्या आने वाला है, 14 आने वाला है, नेक्स्ट क्या आने वाला है, 18 आने वाला है, नेक्स्ट क्या आने वाला है, 22 आने वाला है, उसके बाद आपका 26 आने वाला है। कैसे पता चला मुझे, मुझे कैसे पता चला, मैंने आपको बताया था जब हम मिड वैल्यू निकालते हैं, हम इन दोनों की प्लस कर रहे हैं अपर लिमिट ओवर लोअर लिमिट के, और साथ ही साथ में इसको आगे की ओर किससे प्लस करूंगी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है ना आई, वो यहाँ पे भी सेम रहने वाला। दैट्स द रीजन मैंने इनके अंदर प्लस 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 कर दिया। 6 में 10 प्लस किया, 4 प्लस किया 10, 10 में 4 प्लस किया 14, 14 में 4 प्लस किया 18, 18 में 4 प्लस किया 22, 22 में 4 प्लस किया 26। सिंपल है। अब यहाँ से मैं क्या करने वाली हूँ, मीन डेविएशन निकालने वाला। मीन डेविएशन बताओ कैसे निकलता था, बताओ। मीन डेविएशन हमारा कंटिन्यू सीरीज में क्या करते थे, सबसे पहले स्टेप क्या होता था हमारे पास, एन बाई टू निकालते थे। एन क्या निकला है मेरे पास, देखना पड़ेगा अभी, सी एफ निकालो भाई इसके लिए, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे कि 6, 6 प्लस के 10, 16, 16 प्लस के 12, दिस इज द 28 प्लस के 18, तो ये आ जाते मेरे पास 46 प्लस के 11, ये आ जाते मेरे पास 57 प्लस के 3, तो ये आ जाते मेरे पास 60, राइट। तो मीन्स की मेरा n कितना है, 60 अपॉन में 2, दिस इज अ 30, राइट। ओके, अब मेरे को क्या करना था कि CF में जो मेरा 30 आंसर आया है उसको मुझे मेजर करना है, करना है नहीं करना है। तो 30 देखो कहाँ आ रहा है, मेरा 30 यहाँ पर आ रहा है, तो मैंने इसको पकड़ा, उसके सामने जो भी चीज़ें लिखी हुई उनको मैंने होल्ड किया, है ना, यही करते थे। ओके जी, अब मैंने देखा क्या लिखा कि मेरे पास फॉर्मूला क्या है, एन प्लस के वन बाय एन प्लस के वन बाय टू माइनस के सी एफ अपॉन में एन इंटू आई, मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। अब मेरा एन कितना है, 16 है, सॉरी एल कितना है, 16 है, प्लस किया मैंने एन बाय टू कितना है मेरे पास, 30 है, माइनस के सी एफ क्या होता था, इसकी ऊपर वाली वैल्यू होती थी 28 है, अच्छा अपॉन में क्या है, एन है, ठीक है। एन क्या है मेरे पास, मीन्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 18 है, 18 है बच्चे, इनटू में आई का मतलब क्या, इनके बीच का गैप कितना है, 4 है। सो सिंपल, सॉल्व करो और निकल जाएगा क्वेश्चन। देखो जी क्या लिखा हुआ है कि आपके पास, आपके पास 30 माइनस के 28 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, इनटू में 4 डिवाइड में क्या करने वाले हैं, 18 से, ठीक है, ये 0.4 और प्लस के 16 आ गया, तो मेरे पास जो आया है 16.444 ये आया है, क्या है, 16.444। पता है क्या ये मीडियन है, हम इतनी देर से मीडियन ही निकाले थे। अरे भाई मैंने आपको पहले ही बोला था ये जो चैप्टर है लास्ट चैप्टर पे बेस है, अभी तक ये सभी कंसेप्ट हमारे लास्ट चैप्टर के। अब आ जाते हैं इस चैप्टर का पॉइंट कि डिस्पर्जन कैसे निकालेंगे। डिस्पर्जन के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, dx निकालना पड़ेगा। dx मैंने मीन से मीडियन से निकाला है, तो x माइनस के मीडियन आएगा। मीडियन की वैल्यू क्या निकली, 16.44 निकली। तो x की सीरीज ये है मेरे पास, इसमें से 16.44 करना है मुझे माइनस, तो 16.44 में से, 44 को छोड़ो, 4 में से माइनस के मैं 6 करूँ तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, 10.4 निकल के आएगा, फिर मेरे पास 6.4 निकल के आएगा, फिर मेरे पास 2.4 निकल के आएगा, 1.46 निकल के आएगा, 5.6 निकल के आएगा, 9.6 निकल के आएगा। अच्छा मेरी अभी f f के साथ इसकी मल्टीप्लाई करनी रहती है, क्योंकि dx तो निकल गया, f के साथ और मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली सीरीज है जो इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा जी मैंने 10.4 से 6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कितना आया, 62.4। ये कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी की हुई है, आप इसको कर लेना, क्या है 60 पर 64 आएगा, 64.0, 28.8, नेक्स्ट है 61.8, नेक्स्ट क्या है आपके पास
28.8। इन सबका मैं समेशन करूंगी, 2 और 2 4 1 5 राइट। तो इनका सबका मैंने समेशन किया 27.4 नहीं, एक सेकेंड 274, हाँ 274.4 आएगा। ठीक है, ये निकल गया। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, ये निकाल लिया सारा का सारा, क्या निकल के आया 274.4 निकल के आया। एन मेरे पास क्या है, एन मेरे पास क्या है 60 है। ठीक है, अब मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूंगी, 274.4 डिवाइड में 60, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द 4.57। अगर नज़र आ रहे हैं तो यही है 4.57। ओके, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं मेरे सॉल्व करने से पहले। ठीक है, आगे समझ, अगर मैं कॉफिशियंट निकालने के लिए कहूँ कि जो आंसर आया उसको क्या करना है, मीडियम से डिवाइड कर देना, दैट मीन 16.44 से डिवाइड कर देना, सिंपल है। ठीक है, हो गया भाई मीन डेविशन। अब देखो मीन डेविशन को निकालने का फॉर्मूला था, जस्ट ये समझना था कि फॉर्मूला क्या था, इसके अंदर जो कमी, जो रेंज के अंदर जो कमियां थी इसने क्या किया है उसको ओवरकम किया है, बट इसके अंदर भी कुछ कमी निकल कर आई कि मैं तीनों मेथड्स को यूज़ कर रहा हूँ, मेरा आंसर क्या नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा है ना, मेरा आंसर क्या नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा। दूसरा इसकी डिमेरिट है कि इसने नेगेटिव और पॉजिटिव साइन को रिमूव करने के लिए इसने मोड लगा दिया। भाई इसका तरीका और भी हो सकता था, इसको स्केयर कर देते हैं तब भी प्लस माइनस का साइन हो जाता, रिमूव हो जाता, नहीं हो जाता था। तो ये दो कमी नजर आई, इस कमी को इम्प्रूव किसने किया, नेक्स्ट कंसेप्ट ने, सेकंड मोमेंट ऑफ द डिस्पर्जन ने। ये क्या था, फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्जन, क्यों, क्योंकि ये रेंज के बाद तुरंत बाद आ रहा था, ये एक ही ऐसा मेथड था जो कि आपके रेंज के बाद आता है, और इसीलिए इसको क्या कहते थे, फर्स्ट मोमेंट ऑफ द डिस्पर्जन, जिसे हम मीन डेविएशन के नाम से जानते थे, राइट। ओके चलो, तो ये एग्जाम्पल आई हो आपको समझ में आए होंगे। ओके, प्रॉपर्टी क्या है, इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, स्मॉलर स्टैंडर्ड डेविएशंस के रिगार्डिंग आपके लिए परफेक्ट है। यहाँ पर जीरो मीन डेविएशन होगा, वो तब होगा जब आपके पास जो गैप है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। जो मैंने आपको 50-50 वाला केस बताया था ना, 50-50-50-50 है पांचों सब्जेक्ट में, तो उस केस में जो डेविएशंस है, ठीक है, जो डिस्पर्जन है वो भी क्या होगा, जीरो होगा, वो हर केस में होगा, चाहे वो रेंज है, चाहे मीन डेविएशन है, चाहे क्वार्टाइल है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, सेकंड मोड ऑफ द डिस्पर्जन है, क्लियर है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन से थोड़ा सा सिंपल है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में स्केयर का काम ज़्यादा हो जाता है कि ये रूट है, स्केयर रूट है, ऐसा बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक है, ओके, ये मैंने आपको बता दिया कॉफिशियंट ऑफ द मीन डेविएशन निकालना है, तो आपको उसी से डिवाइड करना होगा जिसके साथ आपने क्या निकाला है, डी एक्स निकाला है। ओके चलो, तो नेक्स्ट आ जाता है क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको जो हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर डिस्कस किया था कि जब हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी निकाल रहे हैं मीन डेविएशन के अंदर, वहाँ पे हमने पार्शियल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक पढ़ा था। पता है उसका मतलब क्या था, कि आपके पास जितना भी डाटा है आपने उसको क्या कर दिया, छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, राइट। अगर मैं कह रही हूँ परसेंटाइल है, मैं इसकी पूरे डाटा को आपने परसेंटेज में डाल दिया, परसेंटेज कितने में होते हैं, 100 में होते हैं, मीन्स कि उसके 100 टुकड़े कर दिए। अगर मैं क्या कर रही हूँ डेकाइल में कर रही हूँ, मीन्स कि 10 पार्ट्स के बारे में बात की जा रही है, मीन्स कि पूरे डाटा को मैंने क्या कर दिया, 10 हिस्सों में बांट दिया। क्वार्टाइल का मतलब होता है कि मैं इस पूरे डाटा को 4 हिस्से में बांट रही हूँ, ठीक है। तो चलो बांट के दिखाती हूँ मैं आपको, ये 4 हिस्से करने हैं, 1 2 3 4। अब कितनी लाइनें लगेगी मुझे ये बताओ, इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड। 1 जिसे हम क्या 1 के नाम से डिनोट करेंगे, 2 जिसे हम क्या 2 से डिनोट करेंगे, 3 जिसे हम क्या 3 के डिनोट करेंगे। और आपको मैंने बताया था क्या 2 इज ऑलवेज इक्वल टू देयर इज अ मीडियन, क्योंकि जो ये जो क्वार्टाइल है मैंने बताया, डेकाइल मैंने बताया, परसेंटाइल मैंने बताया, ये तीनों की तीनों ये ऐसे मेथड है जो कि आप मीडियन में यूज करते थे। मीडियन का मतलब क्या था, कि आपके पास ये इतना सारा डाटा उसकी जो सेंटर वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर देते, मीन इसकी जो पोजीशन है वो आप कैलकुलेट कर देते। इसके इधर लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या होती थी, वैल्यू इस पॉइंट सेंटर वाले पॉइंट से कम होती थी, और राइट हैंड साइड से ये ज़्यादा होती थी, है ना, ये वैल्यू ज़्यादा होती थी, अबोव का केस, ये लो का केस था, है ना। तो इसी वजह से जो क्याउ टू होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट मीडियन की इक्वल होती है। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों, मैंने कहा कि पूरे जो पूरा डाटा, मान लीजिए 100% डाटा है, ठीक है, ये आ गया 25%, ये आ गया 25%, ये आ गया 25%, ये आ गया 25%। अब ये देखो क्या है, इधर साइड टोटल कितना हो गया, 50% हो गया, इधर साइड टोटल कितना हो गया, 50% हो गया, तो सेंटर का निकला है, नहीं निकला क्या उठो। तो इसीलिए वजह से हम क्या कहते थे, इसको मीडियन कहते थे। ओके, इतना समझ में आया। अच्छा, क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर फॉर्मूला क्या हो सकता है बताओ जल्दी,
क्वार्टाइल डेविएशन में हमारे पास ये तो चलो मीडियन के इक्वल होगा, तो अब हम इसका क्याउट वन और क्याउट थ्री का यूज करेंगे पर्टिकुलर फॉर्मूला में, क्या कि क्याउट थ्री माइनस के क्याउट वन हमारे पास क्या रहने वाला है, हमारे डिस्पर्जन का फॉर्मूला रहने वाला है। क्या यही बात की मैंने, क्याउ थ्री माइनस के क्याउ वन। अच्छा ये दो पार्ट्स की बारे में बात की जा रही है, दो कंपोनेंट हमने लिए तो डिवाइड में टू करेंगे, ठीक है। अच्छा इससे कॉफिशेंट निकालना हो तो जैसे हम बाकी सभी पॉइंट्स में कर रहे हैं कि कॉफिशेंट भी निकाल रहे साथ साथ, है ना, तो जैसे हम यहाँ पे हमने क्या किया था, जिससे हमने डी एक्स निकाला वही ले रहे हैं। सेम इस तरीके से जैसे हमने रेंज में किया था ना, रेंज में क्या किया था कि जो आपकी मैक्सिमम लिमिट है उसमें से मिनिमम लिमिट को मैंने माइनस किया था। अगर मुझे क्या निकालना था, कॉफिशेंट निकालना था तो नीचे क्या कर दो भाई, प्लस कर दो। सेम इस तरीके से यहाँ पे क्वार्टर डेविएशन में है कि क्या थ्री माइनस के क्या वन करना है और क्या थ्री प्लस के क्या वन हो जाएगा, सिंपल है। ओके सिंपल है। अच्छा अब ये बता दो मैम कि क्या थ्री निकलेगा कैसे, जैसे आपका मीन डेविएशन मीडियन निकलता था क्योंकि मीडियन के ही पार्टीशन में आता नहीं, दैट्स इट। तो ये आपका मीन मीडियन की तरह ही निकलेगा। अच्छा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, रिकॉल करें कि इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे निकालते थे। एक सेकेंड, इंडिविजुअल सीरीज हुई या फिर मैं कहूँ कि डिस्क्रीट सीरीज हुई, इन दोनों के अंदर हम क्या करते थे, एन को देखते थे। इंडिविजुअल सीरीज में तो नंबर ऑफ आइटम देखा जाता था, डिस्क्रीट सीरीज में हम सी एफ देखते थे। सी एफ दैट मीन्स आपकी फ्रीक्वेंसी का टोटल देखते थे, राइट। फ्रीक्वेंसी का क्या लेते थे, टोटल लेते थे। यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करते थे एन प्लस के वन बाय टू यूज करते थे, करते थे या नहीं करते थे। अच्छा मैम कंटिन्यू सीरीज है तो बच्चे क्या करना होता था, हम एन बाय टू रीयूज करते थे। क्या इतना डिफरेंस क्लियर है। अच्छा अब क्वार्टाइल है, अब वहाँ पे तो मीडियन में तो क्या होता था कि पूरे डाटा को हम दो हिस्सों में बांटते थे तो इसलिए उसके नीचे दो लिखा हुआ था। अगर मैंने कहा क्वार्टाइल है तो मैं इसकी पूरे हिस्से को आपने क्या किया, चार भागों में बांटा, तो यहाँ पे दो की जगह क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे दो की जगह चार लिखा जाएगा। अच्छा मैम तो जो दैट मीन्स आपने परसेंटाइल के बारे में बात की थी, मीन्स की पूरे हिस्से को आपने 100 में बांटना है तो नीचे 100 आएगा। यस बच्चों 100 आएगा, डिकाइल है तो नीचे 10 आएगा, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है। चलो इसके क्वेश्चन करके देखें। ओके सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जिस तरीके से हम मीडियन के अंदर हम करते थे ना कि डाटा आपको दिया हुआ है तो उसको अरेंज करना होता था, सबसे पहला स्टेप यही होता था कि डाटा को क्या करना, अरेंज करना, चाहे आप किसी भी फॉर्म में कर रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो, या आपके ऊपर छूट दी हुई है, कोई भी मेथड यूज करो, ठीक है। अच्छा मेरे पास ये पूरा डाटा दिया हुआ है, मेरे को क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट करना है। मैं डिसेंडिंग में भी कर सकती हूँ, असेंडिंग में भी कर सकती हूँ, दोनों से आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो मैंने असेंडिंग में किया, सबसे पहले क्या रहा मेरे पास, 5 आएगा, फिर मेरे पास 8 आएगा, फिर मेरे पास 9 आएगा, फिर मेरे पास 10 आएगा। तो मैं लिख लूँ 5, 8, 9 और फिर 10, ओके, फिर 11, फिर 12 और फिर 12, ओ माई गॉड, 11, 12, 12, ओके, देन उसके बाद 15, 15 और फिर 20। क्या मैंने इसको अप्लाई कर लिया। अच्छा अब मेरा इंडिविजुअल सीरीज है, ध्यान रखना इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता था, एन प्लस के वन बाय टू लिखूँ या फोर लिखूँ, क्वार्टाइल है तो बच्चे फोर लिखना होगा, ठीक है। अच्छा एन का मतलब क्या था इंडिविजुअल सीरीज में, नंबर ऑफ आइटम है, नंबर ऑफ आइटम देखो कितनी हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके, दैट मीन्स 10 प्लस के 1 बाय 4 क्या हुआ, 11 अपॉन में 4, ठीक है। तो ये पार्टीशन नजर आ रहा है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब ओड में नंबर आता है ना तो हमारा जो आंसर होता है ना वही एग्जैक्ट मेरा क्या होगा, मीडियन होगा। अब मेरा ओड में तो नहीं है, ये 10 है, इवन है, तो हमें एवरेज तो निकालनी पड़ेगी। देखो क्या लिखा हुआ है, 11 डिवाइड में 4 तो क्या हुआ, 2.75, यस या नो। अच्छा सेकंड पॉइंट पे वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 तो एज इट इज आएगा। अच्छा 7.5 आगे दिया हुआ है, मीन्स कि सेकंड आइटम पे थर्ड आइटम पे, इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन है कि हाँ पॉइंट कहाँ पे लगाया जाए, है ना। तो हम क्या करते थे कि
सिंपल में तो मीडियन के अंदर तुम क्या करते थे कि यहाँ पर 9 प्लस के 8 अपॉन में 2 करते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, क्या है कि आपके पास जो थर्ड पे वैल्यू आई है 9 और जो आपके पास सेकेंड पे वैल्यू है 8, इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। मीन्स की थर्ड वैल्यू माइनस के सेकेंड वैल्यू और इंटू में 0.75। क्लियर है? क्लियर है? ओके, अब इसको सॉल्व कर दूं मैं। 8 प्लस के 1 इंटू 0.75, तो ये आ गया 8.75। क्या इतना क्लियर है? ओके, देन उसके बाद देखो, स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। सबसे पहला क्या था आपको, सबसे पहला काम था कि आपको आपकी सीरीज को अरेंज करना है। क्लियर है? क्या करना है? सीरीज को अरेंज करना है। सीरीज को अरेंज करने के बाद ये देखना है कि आपकी इंडिविजुअल सीरीज है या फिर आपकी क्या है, डिस्क्रीट सीरीज है। ओके, देन उसके बाद मैंने क्या किया, इस डाटा के अंदर ये फॉर्मूला पुट किया, एन प्लस के 1/4, देन मेरे पास ये वैल्यू आई दो नंबर पे। ये देखो यहाँ पे क्या था, 1, 2, 2 नंबर पे जो मेरी डिजिट आई है उसको मैंने लिखा और पॉइंट आगे है, मीन्स की ऑब्वियस है इनके बीच में लिखा होगा, कुछ ना कुछ इनके बीच में आ रहा होगा वैल्यू, है ना। तो उसके लिए मैंने क्या किया, थर्ड में से 8 को माइनस किया, इनटू में 7.5 किया। ठीक है, इतना क्लियर समझ में आया? ओके, अब क्या वन की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, ये आई है। अब मैं क्या करूँ, क्या थ्री की भी निकालूँ। क्या थ्री का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये तो वन था तो यहाँ पे मैंने वन से ही की थी, अब मेरे पास थ्री है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 3 × n + k 1/4 करना पड़ेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, 2.75 को मैं क्या कर दूँ, डायरेक्ट मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो जब मैं 2.75 को डायरेक्ट मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे मेरे पास कितना आएगा, 8.25। दैट मीन्स मैम अब 8 नंबर पे लेना है। हाँ जी, देखो क्या लिखा हुआ है, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है, राइट। तो यहाँ पे 15 है प्लस 0.25 है, मीन्स कि आगे बढ़ना पड़ेगा, बट क्या करना पड़ेगा, 15 में से 15 माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 9th यूनिट में से मुझे 8th यूनिट माइनस करनी है और इनटू में 0.25 माइनस करना है। ये तो आ ही गया है 0/0, को जब भी किसी से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आता है, तो यहाँ पे 15 आया नहीं आया। दैट मीन्स क्या थ्री मेरे पास क्या है, 15 है। अच्छा, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला मत भूल जाना कि इसको निकालते कभी फॉर्मूला भूल जाओ आप, ठीक है। क्या है, क्या थ्री माइनस के क्या वन अपॉन में 2 था। क्या है, क्या थ्री मेरे पास 15 आया, क्या वन मेरे पास 8.75 आया, अपॉन में 2 करना है। और जैसे ही मैं इसको 15 माइनस के 8.75 को मैं कर रही हूँ डिवाइड अपॉन में 2, तो ये आया मेरे पास 3.125। इज इट क्लियर? ये क्या है बच्चे, आपके पास क्वार्टाइल डेविएशंस आया है, मींस कि जो आपका सेंटर पॉइंट था उससे आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या है, 3.125 है। क्लियर है? अच्छा, मुझे क्या निकालना हो, कॉफिशियंट निकालना हो, तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, मैंने जैसे यहाँ पर 15 माइनस के 8.75 किया, नीचे क्या कर सकते हैं, 15 प्लस के 8.75 करना है। ऊपर तो क्या आया, 3.25 आया, नीचे क्या आएगा कि 15 प्लस के 8.75 ये आ जाएगा 23.75, ठीक है, 3.125 डिवाइड में 23.75, ये आ गया है बच्चे 0.1315। क्लियर है? ओके जी, ये तो हो गया बच्चे इंडिविजुअल सीरीज में। मेन बात है आपको क्वार्टर डिवीजन आना चाहिए और कुछ नहीं, मीन्स की सेंट्रल टेंडेंसी आपका बेस था बच्चे इस चैप्टर के लिए। अगर ये चैप्टर आपको करना है तो सेंट्रल टेंडेंसी वाली वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे आपको ये चैप्टर बिल्कुल ईजी लगेगा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा हेक्टिक वाला पॉइंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि वहाँ पर हमने 1/1 सभी चीज़ों को सीखा था कि हाँ मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, क्वार्टर डिवीजंस, पार्शियल डिवीजंस, ठीक है, जो आपका डिक्लाइन है, परसेंटाइल है, ये सब के अंदर हमने डिस्कस किया था, है ना। तो तभी मेरे लिए ये ईजी है, जिन बच्चों ने किया उनके लिए ईजी, राइट। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, अब आप क्या डिस्क्रीट सीरीज का अपने आप निकाल सकते हो, वैसे मैंने आप लोगों के लिए पहले ही सॉल्व करके रखा हुआ है। कैसे है, डिस्क्रीट सीरीज में मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, देन उसके बाद एन प्लस के 1/2, ये आपको एग्जैक्ट जो फॉर्मूला था, ठीक है, वो निकालना है। ये क्या वन का फॉर्मूला है, क्योंकि इसके सामने हमने क्या किया, वन से मल्टीप्लाई किया। क्या थ्री का क्या होगा जब हम थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है, ये क्या हुँ? 3 की वैल्यू निकल के आई, सॉरी क्या हुँ 3 की नहीं, ये क्या हुँ 1 की वैल्यू ये है, क्या हुँ 3 की वैल्यू ये है, ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मेरा ये निकल के आया 7.25 यहाँ पर लाई करता है और इसे सामने वाली एक्स सीरीज में वैल्यू देखनी होती है, पर याद है अच्छा ये वैल्यू निकल सकती है। इसी तरह से कंटिन्यू सीरीज में सबसे पहले मेरे पास क्या निकालना पड़ेगा, मुझे सी एफ निकालना पड़ेगा और मुझे मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इनकी मिड वैल्यू क्या इजली निकल सकती है, 5 है और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस है, ठीक है, ओके इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, पहले तो मीडियन का फॉर्मूला याद करो। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था, एल प्लस के 1/n/2 माइनस के सी एफ अपॉन में एफ इंटू में आई। तो क्या मिड वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, नहीं है तो निकालेंगे नहीं, ठीक है, अच्छा सी एफ की रिक्वायरमेंट है तो सी एफ निकालेंगे, 5 प्लस के 8 कितना होता है 13, 13 प्लस के 12 25, 25 प्लस के 8 कितना होता है, ये आता है 33, 33 प्लस के 7 कितना होता है 40, ठीक है, तो दैट मीन्स एन बाय टू कितना हुआ मेरे पास, 40 डिवाइड में 2 नहीं 4 आएगा। आई होप मैंने यहाँ पर भी 2 लिख दिया, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर 2 नहीं 4 आएगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी जो कि आप सभी बच्चे भी करते पक्का है ना, करते नहीं करते, ये नीचे यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 आया, देन मैंने 4 से डिवाइड किया, देन यहाँ पे मेरे पास 10 आया। मुझे सी एफ में क्या देखना होगा, मुझे 10 देखना है, 10 यहाँ पे लाई करेगा, तो 10 यहाँ पे लाई करेगा, तो इसके सामने वाले पूरे इस कंसेप्ट को फोल्ड करना है। ये मेरे पास क्या है, एल मेरे पास एल वन, 10 मेरा आया है, एफ फ्रीक्वेंसी ये है, सी एफ मेरे पास 5 है, डिफरेंस कितना है 10 है। तो क्या यहाँ पर वैल्यू पुट करके क्या आप मीडियन की वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, क्या है एल मेरा कितना है 10 है, प्लस के एन बाई टू, 10 माइनस के 5 अपॉन में 8 इंटू में आई कितना है 10 है, राइट, तो क्या निकल गया है 10 प्लस के 5 अपॉन में 8 इंटू में 10, तो 10 प्लस के 50 अपॉन में 8, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 50, एक सेकेंड, 50 डिवाइड में 8 ये आया 6.25 प्लस के 10, तो यहाँ पे आया 16.25, क्लियर है, ये किसकी वैल्यू है बच्चे, ये वैल्यू है क्या हुँ मेरे पास क्या हुँ 1 की, ठीक है, अच्छा क्यों, क्योंकि n के साथ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 1 की थी, अगर मैं n के साथ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 3 की कर दूँ, 3n/2 कर दूँ, तो मेरे पास क्या हुँ 3 की वैल्यू निकल जाएगी, निकलेगी नहीं निकलेगी, तो कहने का मतलब पहले मुझे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 30 आएगा, 30 आएगा तो मुझे यहाँ पर ये वैल्यू निकल कर आएगी, जिसकी वजह से उनका एल एफ सी एफ सब कुछ चेंज हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो चलो जी कर दो पुट यहाँ पे कि एल वन मेरे पास कितना है 30 है, सी एफ मेरे पास कितना है 25 है, इससे ऊपर वाला लेते हैं जैसे हमने इससे ऊपर वाला लिया, और एफ मेरे पास कितना है 8 है, और आई मेरे पास कितना है सेम एज इट इज़ 10 है, तो फॉर्मूला पुट कर दो कि एल वन प्लस के, देखो जैसे यहाँ पे मेरा मीडियन का फॉर्मूला मुझे बार बार रिकॉल हो रहा है, यहाँ पे 4 आएगा, राइट, अच्छा एल वन प्लस के एन बाय 4 इंटू में 3 माइनस के सी एफ अपोन में एफ इंटू में आई, ठीक है, एल कितना है 30 प्लस के यहाँ पे कितना था 30 माइनस के 25 अपोन में फ्रीक्वेंसी 8 है इंटू में 10 है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 30 प्लस के 5/8 इंटू में 10, ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ 50 अपॉन में 8 आया, वही एज इट इज 6.25 प्लस के 30, तो ये कितना आ गया 36.25, ये मेरा क्या हुआ 3 है, ये मेरा क्या हुआ 1 है, फॉर्मूला पुट कर दो क्या हुआ 3 माइनस के क्या हुआ 1, ये आपका आंसर निकल जाएगा, क्लियर है। सेम मेन पॉइंट था कि आपको यहाँ पर क्वार्टरल डिविजन्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर यहाँ पर क्या है क्वार्टाइल 3 निकाल रहे हो तो क्या निकलने वाला है 3n/4 होगा, अगर क्वार्टाइल 1 निकाल रहे हो तो 3n/4 होगा, ठीक है, जैसे हमारा n प्लस के 1/2 की बजाय यहाँ पे n प्लस के 1/4 होने वाला है, क्लियर है, समझ में आया, ओके जी, क्वार्टाइल डिविजन भी हो गया कंप्लीट, लास्ट मेथड आ जाता है, ओके, एक और मेथड है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं बता देती हूँ कि जिस जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन का थोड़ा बेस रहने वाला है। देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले रेंज को डिस्कस किया, रेंज के अंदर क्या किया था कि जो अपर लिमिट थी वो लोअर लिमिट थी, मिस की मैक्सिमम लिमिट में से मिनिमम लिमिट को माइनस किया, नीचे कर दिया 2,
ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने क्वार्टाइल डेविएशन भी डिस्कस किया, क्या क्या थ्री माइनस के क्या वन अपॉन में टू। उसके बाद मैंने मीन डेविएशन को भी आपको डिस्कस किया कि dx का मोड आने वाला है, नीचे क्या आने वाला है आपके पास n समेशन ऑफ dx दिस इज अ मोड। देखो इसके अंदर जो कमी थी वो कमी इसने पूरी की, ठीक है, इसके अंदर जो कमी थी वो कमी इसने पूरी की। अब इनके अंदर सब में कमी है वो क्या थी कि इन्होंने प्लस माइनस के साइन को हटाने के लिए मोड लगा दिए, किसी ने कुछ कर दिया, ठीक है। ये कहता है कि सेकंड मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्जन, ये कहता है कि आप इग्नोर पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल को करना चाह रहे हो ना, तो इसका एक शॉर्टकट मेथड क्या है कि आप इसका स्केयर कर दो, मीन्स कि dx का स्केयर कर दो, पॉजिटिव भी पॉजिटिव रहने वाला है, नेगेटिव भी नेगेटिव रहने वाला। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरी जो वैल्यू है dx को सॉल्व करने के बाद माइनस के थ्री आई, अगर मैंने इसको स्केयर कर दिया तो मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव में आंसर आएगा नहीं आएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपको साइन के रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम थी उसको शॉर्ट आउट किया गया, ठीक है। ये वैसे आपके एग्जाम में नहीं आया हुआ, ठीक है, ना ही आपके सिलेबस में है। तो सेकंड मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्जन ने जितनी भी शॉर्टकमिंग्स थी किसके अंदर, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द डिस्पर्जन के अंदर, उसको क्या किया गया है, इम्प्रूव किया गया है, इग्नोर किया जा गया था जो प्लस माइनस को, उन्होंने कहा कि स्केयर कर दो, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं आपके जो नेगेटिव साइन को ऑटोमेटेड क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। क्लियर है, समझ में आया। अच्छा अब इसकी इसको बेस लगाकर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहता है, ये कहते हैं कि ये जो मेथड है ना सबसे बेस्ट मेथड है किसके लिए, ये सबसे बेस्ट मेथड है आपके डिस्पर्जन को कैलकुलेट करने के लिए। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे रेंज ने भी सारी की सारी एक्सपेरिमेंट्स को नहीं कंसीडर किया, इसकी सारी की सारी ऑब्जर्वेशन को नहीं कंसीडर लेकर चल रहा था, है ना। मीन डेविएशन लेकर चला तो उसके अंदर क्या आ रहा था, आंसर अलग अलग आ रहा था। बट ये कहते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक ऐसा कंसेप्ट, इसने प्रॉपर्टी है इसकी, पता है, एक ये कहते हैं कि अजम्पशन से आपको ये मानकर चलना पड़ेगा तभी आप ये क्या कर रहोगे, यूनिवर्सल एप्लीकेबल हो सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन में खास बात पता है क्या है, ये पहली बात तो ये केवल मीन को यूज करके निकलेगा, पहली और इम्पॉर्टेंट बात, ये केवल मीन को यूज करके ही निकलेगा। और जब मीन को यूज करके ही निकलेगा तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर हम सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को करते थे, क्योंकि मीन की यही फीचर थी कि मीन जब हम निकालते ना सारी की सारी ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 है, इन सबका टोटल क्या होगा, सबका टोटल क्या होगा, 15 होगा, तो मैंने सभी के सभी ऑब्जर्वेशन का यूज किया है। सो जो ड्रॉबैक्स थी ना कि सभी ऑब्जर्वेशन को लेकर नहीं चल रहे, तो इसी वजह से इसने कहा कि मैं केवल मीन से ही कैलकुलेट होऊंगा, जिसकी वजह से मैं सारे के सारे डाटा को मैं बेस मान के चल रहा हूँ। अच्छा दूसरा कहता है कि मैं स्केयर रूट को भी लेकर चलूंगा, ये थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जो आपने अभी तक पढ़ा है कि समेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एन, राइट, तो इसने कहा ओके आप इसका स्केयर कर दो, सिंपल सा, ठीक है, डी एक्स अपॉन में एन, और जो अभी तक जो चल रहा था ना ये रूट वाला चला था स्केयर का, ठीक है, ये भी चलेगा साथ ही साथ। चलो चेकआउट करते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन आपकी तीनों सीरीज में आपको एग्जांपल दिए हुए हैं, ठीक है, आप जैसे भी कहेंगे, आपके लिए कंक्लूजन भी ड्रॉ किया हुआ है। सो देखो कैसे लिखा हुआ है कि जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मेन इंडिविजुअल सीरीज से निकालते तो वहाँ पे क्या होता है कि पहली बात तो आपको ये जो मैंने आपको बताया ये मेन के ऊपर बेस होता है, तो मीन को निकालने के फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको, पहली बात तो, कि आपके पास दोनों मेथड होते थे कि आप डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते थे और आप शॉर्टकट मेथड से भी मीन को निकाल सकते थे। डायरेक्ट मेथड क्या होता था, समेशन ऑफ एक्स सीरीज, जिसके सबका प्लस कर दो फिर अपन में नंबर ऑफ आइटम लिख दो। शॉर्टकट में क्या था कि हम एक अज्यूम्ड मीन लेके चलते थे, ए को लेके चलते थे, याद है ये हमने बहुत अच्छे तरीके से किया था। देखो ये रहा मीन को हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, तो एक तो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, और एक आपके पास ये वाला कंसेप्ट है शॉर्टकट वाला, याद है, ओके जी। चलो तो अब यहाँ पर आपको इसी का बेस मानने वाला है कि आपको क्या करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए ना भी आपके पास दो कंसेप्ट है, क्या, डायरेक्ट है और एक शॉर्टकट है, कुछ नहीं है, सिंपल सा है जो अभी तक करते रहे थे, क्या कि जो मेन डेविएशन था, मेन डेविएशन में क्या था कि समेशन ऑफ डी एक्स था, ठीक है, और उसका हमने क्या किया था, मोड किया हुआ था। फिर हमारा सेकंड मोड ऑफ द डिस्पर्जन ने कहा कि ये मोड हटाओ, हम इसका क्या कर देंगे, स्केयर कर देंगे। कहते हैं अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन कहता है कि स्केयर तो ठीक है, अब इसका हमें रूट भी करना है, इसकी कुछ ना कुछ आप बढ़ाते चढ़ाते चलते आ रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा हो, समेशन ऑफ द डी एक्स का स्केयर अपॉन में एन, सो सिंपल। अच्छा डी एक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले मीन को कैलकुलेट करना पड़ेगा, मीन को मैं किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकती हूँ, तो मैं अभी फिलहाल यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज कर रही हूँ, समेशन ऑफ एक्स का यूज कर रहे हो, इन सबको प्लस कर दो, 8 और 5 13, 13 और
13 प्लस के 11 प्लस के, एक सेकेंड, 13 प्लस के 11 प्लस के 12 प्लस के 14 प्लस 16 प्लस 18, राइट। तो यहाँ पे आ गया 84। तो मीन कैसे निकलेगा भाई, 84 डिवाइड में कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से मैं डिवाइड करूँ तो मेरे पास ही आ गया 12। ओके, दैट मीन्स जो dx निकलने वाला है x माइनस के 12 से निकलने वाला है। ओके, 12 में से मैं क्या करूँगी, 12 में से मैं जब 12 को माइनस करूँगी, 12 में से मैं 5 को माइनस करूँगी तो मेरे पास माइनस के 7 आएंगे, यहाँ पर मेरे पास माइनस के 4 आएंगे, माइनस का 1 आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा और यहाँ पे फिर 6 आएगा। अब इसको क्या करना है, स्केयर करना है ना, dx स्केयर करना है, तो स्केयर करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 49 16 1 0 4 16 36। अब इनको क्या करना है, प्लस करना है, समेशन ऑफ dx स्केयर हो गया, यही तो चाहिए था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समेशन ऑफ dx स्केयर है ना। तो सबसे पहले मैंने dx निकाला, देन उसके बाद मैंने dx निकाला, ठीक है, समझ में आ रहा है, ओके जी। देन उसके बाद अब आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास ये आंसर आपको मैं प्लस कर दूँ इसका, 49 प्लस के 16 प्लस के आ जाएगा 1 प्लस के 4 प्लस के आपके पास 16 प्लस के 36, ये आपके पास आ गया 122, ठीक है। फॉर्मूला देखो क्या कह रहा था कि 122 तो यहाँ पे है, नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 7 है, तो मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास 17.428 मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, क्लियर है, समझ में आया, कंप्लीट आया। अच्छा मैम, अगर मैं इसको शॉर्टकट मेथड से निकालता तो क्या मेरा आंसर यही आता, हाँ जी बताए तब भी यही आता, करके दिखाऊं, अभी रुको, ये लो भाई, मैं अज्यूम्ड मीन क्या होता है, अपनी मर्जी से लेना होता है। अब मेरे पास 7 आइटम है तो मैं क्या करूँगी, 3 आइटम ऊपर छोड़ दूँ, 3 आइटम बीच में छोड़ दूँ तो मेरे पास 12 ही तो आएगा, तो 12 से तो प्रोसेस यही चल रही है, ठीक है, ओके जी। अच्छा नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 7, ओके ठीक है। अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन आपको डिस्क्रीट सीरीज में निकालूँ, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है ना, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है और यहाँ पर हम जब पहले, सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, मीन निकालना, मीन को डिस्क्रीट सीरीज में कैसे निकालते थे जल्दी से रिकॉल करो। ये देखो डिस्क्रीट सीरीज में भी आपके पास दो मेथड थे, कि आपके पास एक तो डायरेक्ट मेथड था, एक आपके पास शॉर्टकट मेथड था। डायरेक्ट मेथड में क्या था कि डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी ऐड हुई है तो आप x के साथ पहले मल्टीप्लाई कर दो, नीचे फ्रीक्वेंसी का सम कर दो। अगर आपको शॉर्टकट यूज करना है तो एक अज्यूम्ड मीन मान लो, dx उससे निकालो, फिर हमें x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, सिंपल लगता था ना वो। अच्छा चलो फिर मैं आपको शॉर्टकट मेथड से करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया, इस सीरीज में से कोई भी एक बीच वाला सेंटर वाला पॉइंट मैंने क्या कर लिया, अज्यूम्ड मीन मान लिया। अज्यूम्ड मीन मानने से मैं dx निकालूंगी, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मानने से मैं dx निकालूंगी कि मेरा मीन ईजिली निकल जाए, कि मेरा मीन का फॉर्मूला क्या होता था, 1 प्लस के समेशन ऑफ एफ डी एक्स अपॉन में एन, ठीक है। तो यहाँ पे 21 माइनस के 23 तो कितना आया, माइनस के 2, यहाँ पे माइनस के 1, 0, 1, 2, ओके। अब मैं क्या करूँगी, इसको एफ डी एक्स से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे माइनस के 10, माइनस का 8, 0, 8, 14, ठीक है। अब इनको सॉर्ट आउट करो, यहाँ से ये कट हो गया, यहाँ से क्या हो गया, मेरे पास 4 आंसर आया, ठीक है। तो ये पुट करो, ए कितना है, 23 है, प्लस के 4, एन कितना है मेरे पास, इनका सम करो भाई, 5 और 8, 13, 13 और 12, 25, 25 और 15, 25 प्लस के 15 कितना हो गया, 40, ठीक है। तो यहाँ पे 40 आएगा, तो मैं इसको कट कर रही हूँ तो यहाँ पे 1/10 आ जाएगा, ये क्या नज़र आएगा, 1/10 प्लस के 23, ये आएगा 23 पॉइंट, मीन मेरे पास क्या आया, 23.1 विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट मेथड। ये कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड। अगर मैं ये डायरेक्ट मेथड यूज़ करती तो क्या मैम मेरा आंसर भी सेम आता है, यस बच्चे आपका आंसर बिल्कुल, एक सेकेंड, बिल्कुल सेम आता है। उसमें क्या होता था, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन होता था, एन क्या मेरे पास 40 है, एफ एक्स क्या होता कि इन दोनों की मुझे क्या करनी, मल्टीप्लाई करनी थी। तो यहाँ पे करके दिखा दूँ,
इसको मैं इरेज कर देती हूँ थोड़ा सा। देखो क्या आएगा, 21 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 105 आएगा। 22 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 176 आया है, ठीक है। 23 को मैं यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करूँ 276 आएगा। 24 को मैं यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करूँ 192 आएगा। और 25 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ 175 आएगा। यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, तो 105 प्लस के 176 प्लस के 276 प्लस 192, एक सेकेंड, 2 प्लस 175, ये आया 924। तो यहाँ पे 924 से जब मैं इसको 40 से डिवाइड करूँगी तो मेरा आंसर अभी भी यही आ रहा है, 23.1। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मेरा क्या काम रह गया भाई, अब मेरा काम रह गया है, मैंने मीन तो निकाल लिया, अब मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए f इंटू dx का स्क्वायर चाहिए, है ना। तो dx कैसे निकलेगा इसमें, कि जो मैंने मीन निकाला ना उसका मेरे को यूज करना है, मीन्स की 23.1 को मुझे यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको मैंने सॉल्व किया हुआ, इसको हम अपने टेबल से, मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लग रहा है, आप इसकी कैलकुलेशन ईजी करेंगे तो आपका भी यही आएगा। अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास मीन आया उसमें से मैं एक्स की जो सीरीज़ है ना 21 को मैं माइनस करूँगी 23.1, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस के 2.1, माइनस के 1.1, माइनस के 0.1, 0.9 और फिर आएगा 1.9, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका एक्स का स्केयर करना है, मीन्स की 21.1 का स्केयर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूँ 2.1 इंटू 2.1 तो मेरे पास क्या आएगा, 4.41। अब मैं 1.1 की मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 1.2, यहाँ पे 1.2 आएगा, 0 की 0 ही रहने वाली है, सॉरी 0.1 की इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0.01 से आएगी, ओके। 0.9 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.9 से तो यहाँ पे 0.81 आएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास 19 की 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.9 की तो यहाँ पे 3.61 आएगा। अब मुझे क्या करना है इस वाली सीरीज़ के साथ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एफ स्केयर तो मेरे पास निकल गया बच्चे, मुझे एफ का भी मल्टीप्लाई चाहिए। अब मैं क्या करूँगी, इसको एफ से और मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया बट आपको समझ में आ जाएगा कि एफ एक्स का स्केयर क्या है, वो मुझे निकालना होगा। मेरे पास ये वैल्यू है, मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ, मेरे पास एफ 4.41 है, मुझे 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 4.41 है, मुझे 5 से मल्टीप्लाई करनी है, तो मेरे पास 22.02 आया, 22.05 आया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 1.21 है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो मेरे पास ये 9.68 आया। अब मैं इसको फटाफट लिख देती हूँ, 9.68, 0.12, 6.48, 25.27, इन सब का मुझे समेशन चाहिए, ये लिखा हुआ है मैंने, अच्छा जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, 63.60, ओके। अच्छा, एन कितना है मेरे पास, मेरे पास एन है बच्चे, एक सेकेंड 40, तो करो पुट, 63.06 अपॉन में ये आ जाएगा 40, रूट करेंगे दिस वन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 63.60 डिवाइड में 40, तो मेरे पास आ रहा है 1.59 को मुझे रूट करना है, और रूट करने के बाद मेरे पास जो आंसर आएगा ये 5.45 के ये 1.26 के अप्रोक्सी आंसर आएगा, ठीक है। सिंपल सा है, मेन पॉइंट है कि आपको मीन निकालना आना चाहिए, उसके बाद तो स्केयर टू स्केयर करना है, ठीक है। अच्छा, कई बार क्वेश्चंस में आपको दिया मिलेगा कि आपको जो मीन जो स्टैंडर्ड डेविएशंस है उसका वेरिएशन निकालना है या फिर कोएफिशिएंट निकालना है, ठीक है, वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, मतलब इसी नेक्स्ट क्वेश्चन में करवाना है मेरे को, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज में और दिखा लेते हैं, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है, ठीक है। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज में मीन कैसे निकालते हैं, याद है सभी को कि हमें मीन निकालने का पहले बात फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है, समेशन ऑफ अगर मैं डायरेक्ट मेथड से यूज कर रही हूँ तो क्या होगा, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन। आप ये सोच रहे हो कि मैम ये तो आपका डायरेक्ट डिस्क्रीट सीरीज में भी था, क्योंकि जब आप कंटिन्यूस सीरीज निकालते हो ना, कंटिन्यूस सीरीज का यूज करते हो, तो वहाँ पे आपको मीन के अंदर मिड वैल्यू निकालनी पड़ती है,
मिड वैल्यू पता है क्या होता है कि 0 से 10 के बीच में जो वैल्यू है, कैसे निकालेंगे कि 0 प्लस के 10 अपॉन में 2 कितना आया, 5 आया। मींस की जो मिड वैल्यू यहाँ पे 5 है, नेक्स्ट मेरे पास क्या होने वाली, 15 होने वाले, नेक्स्ट मेरे पास 25 होने वाले, नेक्स्ट मेरे पास 30 होने वाली है, एक सेकेंड 35 होने वाली है, नेक्स्ट मेरे पास 45 होने वाली है, ठीक है। अच्छा ये मेरे पास, मैं इसको एम से भी डिनोट कर सकती हूँ, इसको मैं एक्स से भी डिनोट कर सकती हूँ। अब इसके थ्रू मैं क्या करने वाली हूँ, मेरा डी एक्स निकाल सकती हूँ अगर मुझे शॉर्टकट मेथड से करना है, अदरवाइज मैं इसके बजाय मैं क्या कर सकती हूँ, एफ एक्स की मल्टीप्लाई कर दूँ। अब तो यहाँ पे सिंपल सा है, तो मैं इसको यहीं पर डायरेक्ट कर रही हूँ, क्या आएगा 15, 75, 25, 200 और यहाँ पे 35 गुना में 3 तो ये आ जाएगा 105 और 105 और यहाँ पे है 45, इन सबको ऐड करेंगे सो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास आएगा बेटा 15 प्लस के 75 प्लस के 200 प्लस के 105 प्लस के 45 यहाँ पे आ रहा है 440, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, 440, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, 5 और 3 8, 8 8 16, 16 4 20, ठीक है। 20 यहाँ पर कट करेंगे तो मेरे पास 22 आया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा मेन तो निकल गया, सिंपल सा था, ज़्यादा हैक्टिक नहीं था। तो मैंने क्या किया, x माइनस के 22 को मैं कर रही हूँ, जिससे मेरे को क्या आने वाला है, dx आने वाला है, फिर मैं dx का स्केयर करने वाली हूँ, फिर मुझे f dx स्केयर करना है, ठीक है। वैल्यू निकालो, यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दो, सिंपल सा है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कहूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशंस का जो फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, ठीक है, बच्चे डिपेंड करता है कि आपको मीन डेविएशन किस मेथड से निकाल रहे हो, कि आप डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हो, शॉर्टकट मेथड से निकाल रहे हो। शॉर्टकट से निकालेंगे जल्दी निकलने वाला है, पहली नाम बता रहा है शॉर्टकट हूं मैं, है ना। तो आपको यहाँ पे dx स्क्वायर f by में n करना है, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी आ जाती है तो यहाँ पे f आ जाता है, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है dx निकालना है तो हमें क्या है यहाँ पर मिड वैल्यू का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा आपको क्वेश्चन के अंदर एग्जाम के अंदर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि शॉर्टकट मेथड से निकालो, वैसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट मेथड से आए हैं, अगर शॉर्टकट मेथड से निकालना चाहें तो कुछ भी नहीं फर्क है, नहीं है, ये सेम एज इट इज इतना है, फर्क बस इतना है कि यहाँ पे बाद में यहाँ पे स्केयर ना करते हुए यहाँ पे ऊपर सब पूरे होल का स्केयर किया हुआ है, सब में सारी चीज़ ये डबल लिखी हुई है कि यहाँ पे क्या था समेशन ऑफ dx का स्केयर अपॉन में n है और बाद में क्या है समेशन ऑफ dx अपॉन में n होल का स्केयर है, सिंपल है, ओके ओके जी। यहाँ पर हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपका बच्चे कंप्लीट। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको सेंटर पॉइंट जानना होता था तो हमें सेंट्रल टेंडेंसी होती थी, अगर मुझे डिस्टेंस जाना होगा तो डिस्पर्जन के, हमने ये चार मेथड पढ़े, रेंज पढ़ा, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा, मीन डेविएशन डिस्कस किया, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्कस किया। अब मैं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूँ सो आपको अब ये ईजी लगेगी, हाँ जी लगेगी या नहीं लगेगी, आई होप सबको नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या क्या रही है। जस्ट अ सेकेंड, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं इसको, ठीक है अब, ठीक है ओके। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन आर द कॉन्स्टेंट, अगर सारी की सारी ऑब्जर्वेशन क्या है कॉन्स्टेंट है तो उस केस में क्या होगी, जो जीरो क्या सारी जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो या फिर क्वार्टाइल हो कुछ भी है, हमारा क्या आने वाला है जीरो आने वाला है। क्या हमने डिस्कस किया था जब हमने 50-50 का केस डिस्कस किया था कि मेरे पास पांच डिजिट है 50-50 के, तो वहाँ पर तो कोई दूरी नहीं है, कोई गैप ही नहीं है, तो जब कोई गैप ही नहीं है तो क्या आपका डिस्पर्जन होगा, डिस्पर्जन डिस्टेंस क्या होगी, नहीं होगी। तो उस केस में जो आपका जो कोई गैप नहीं है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं होगा, ना रेंज होगा, ना क्वार्टाइल होगा, ना मीन डेविएशन होगा, ठीक है। अच्छा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है ना बच्चे, वो डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, चेंज इन द ओरिजिन, ओरिजिन दैट मीन्स प्लस माइनस के चेंज होने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। कोई सीरीज में आप प्लस कर रहे हो, कोई सीरीज में आप माइनस कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सीरीज में मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर डिवाइड कर रहे हो, इसकी स्केलिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे डिपेंडेंट हो जाएगी, मीन्स की वो चेंज हो जाएगा, मीन्स की जितना चेंज यहाँ किया होगा उसके हिसाब से यहाँ पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन में चेंज आएगा, ठीक है। ये क्या करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन केवल और केवल मीन को यूज करता है, मीन्स की अर्थमेटिक मीन को यूज करता है, ठीक है। इसने पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन को कंसिडर किया है, ठीक है, सेम कंसिडर किया है। अच्छा नेक्स्ट कहते हैं कि जो डेविएशंस निकाल रहे हैं हम स्केयर करके निकाल रहे हैं, मीन्स की विद साइन और विदाउट साइन। विद साइन का मतलब क्या है, जहाँ पर हमारी जो मिनिमम वैल्यू किसकी आएगी, मीन की आएगी, और अगर हम विदाउट साइन के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मिनिमम वैल्यू किसकी आएगी, मीडियन की आएगी।
ये एक्सपेरिमेंट मैंने अलग से करवाया हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, एन माइन एन स्केयर माइनस के वन अपॉन में 12, ये प्रॉपर्टी में ही प्रूफ किया था यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, पार्शियल के अंदर क्या है कि यहाँ पे जो इसकी रेंज होने वाली है ना बच्चे, वो थ्री स्टैंडर्ड थ्री से माइनस से लेकर स्टैंडर्ड पॉजिटिव थ्री से तक के बीच में आएगी, यहाँ पर बताया गया इसको, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन करवाया था अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर के अंदर, मीन मोड मीडियन के अंदर, कि जहाँ पर मैंने ज्योमेट्रिक मीन के अंदर बताया था, जस्ट अ सेकेंड, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है ना उसके अंदर, ये जब हम कैलकुलेट करते हैं ना अर्थमेटिक मीन में, वहाँ पर हमारा जो अर्थमेटिक मीन सबसे ज़्यादा होता है, ज्योमेट्रिक मीन उसके बाद होता है और हार्मोनिक मीन की जो वैल्यू है उसके बाद होते हैं। सेम इस तरीके से यहाँ पे है कि जैसे आपके पास क्वार्टाइल डेविएशंस है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पर, ठीक है, जब हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, रीज़न ये है, आपको ग्राफ नज़र आ रहा होगा कि जो अगर आपकी जो वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशंस की अप्रोक्स वन आई है, तो 68 के करीब यहाँ पे होल्डिंग करी है, मीन्स कि यहाँ पे इतना स्प्रेडनेस है, और ज़्यादा ज़्यादा होता जाएगा तो उतना ज़्यादा आपके पास क्या है, ये फ्लैटर होता चला जाएगा, ठीक है। ओके जी, बढ़े अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस के बारे में बात करते हैं, सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्या कहता है ये डिस्कस करते हैं। सुनो, कहते हैं कि स्क्यूनेस का मतलब मैंने आपको वैसे क्या बताया, स्क्यूनेस का मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पर आप बता रहे हो कि इसकी क्या है, मूवमेंट कहाँ है ना। अब मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया था, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, सेंट्रल टेंडेंसी जाननी है तो सेंटर पॉइंट जाना है तो आपको सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस करना पड़ेगा, डिस्टेंस को मेजर करना है तो आपको डिस्पर्जन मेजर डिस्कस करना पड़ता है, देखना पड़ता है। हमने चार मेथड को डिस्कस किया, राइट, एक तो क्वार्टाइल डेविएशंस, एक हमारे पास रेंज हमने डिस्कस किया, एक अपने पास मीन डेविएशन डिस्कस किया, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सबसे बेस्ट मेथड माना गया था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जाता है हमारे पास कि अगर मुझे मानना, मुझे जानना है मेरी डायरेक्शंस क्या है, तो डायरेक्शन के लिए मुझे स्क्यूनेस देखनी पड़ेगी, ठीक है। क्या मेरी जो डायरेक्शंस है, क्या मेरी डायरेक्शंस है वो ऐसी है कि हाँ दोनों साइड मेरा इक्वल इक्वल मिल रहा है, मींस कि जो ये जो टेबल है, ये जो मेरा ग्राफ है, इसके अंदर क्या है, 50% डाटा इधर साइड है, 50% डाटा इधर साइड है, तो इस केस में तो क्या होगा कि जो आपका मीन है, ठीक है, जो मीडियन है, जो मीन है और मोड है, वो सारे के सारे क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अच्छा मैम, ऐसा भी तो हो सकता है ये अनइक्वल हो, यस ऑफ कोर्स ऐसा भी हो सकता है। तो अनइक्वल के केस में आपका जो ग्राफ है ना वो ऐसे नहीं मिलेगा, वो आपका ग्राफ कुछ या तो इधर साइड ज़्यादा टिल्ट होता हुआ मिलेगा, या फिर आपका ग्राफ इधर साइड ज़्यादा टिल्ट होता मिलेगा। तो इस केस में याद रखना, जब भी आपका राइट हैंड साइड, देखो ये जो राइट हैंड साइड है ना, जब भी अगर आपका राइट हैंड साइड ज़्यादा हो, ठीक है, ये राइट हैंड साइड ज़्यादा हो पॉजिटिव, उसके क्या कहेंगे, स्क्यूनेस कहेंगे, क्या कहेंगे, पॉजिटिव स्क्यूनेस कहेंगे। अगर राइट हैंड साइड क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो उसे नेगेटिव स्क्यूनेस कहेंगे। समझ में आया। अच्छा, जब भी पॉजिटिव स्क्यूनेस होता है ना बच्चे, वहां पर आपकी जो मीन की जो वैल्यू होती है ना वो ग्रेटर होती है। किससे ग्रेटर होगी, मीडियन से ग्रेटर होगी। अच्छा मैम, नेगेटिव में कैसे पॉजिटिव होगी, यस नेगेटिव में क्या होगी कि उसकी स्क्यूनेस की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव के अंदर मीन की वैल्यू कम होगी फ्रॉम द मीडियन से। क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में आ रहा है। तो ओवरऑल मैं ये कह सकती हूँ कि जो स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, कि जहाँ पर हम क्या करते हैं, उनके डेविएशंस को चेकआउट, सॉरी डायरेक्शन को चेकआउट करते हैं, ठीक है, कि जो आपका जो डायरेक्शन है वो सिमेट्रिक है वो या फिर असिमेट्रिक है। सिस्टमेटिक भी कहते हैं इसको, सिमेट्रिक भी कहते हैं। अगर मैंने कहा कि जो मेरी जो स्क्यूनेस है ना वो क्या है, वो क्या है, सिस्टमेटिक है। मैं यहाँ पर आई, मैंने चार्ट बनाया हुआ था, यस सिमेट्री है। सिमेट्री के अंदर क्या होगा कि आपके पास जो डाटा होगा वो 50% यहाँ पे होगा, 50% यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर मैंने कहा कि मेरे डाटा सिमेट्री नहीं है, मीन्स कि ये अनइक्वल है, यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ ये इक्वल है, जहाँ पर आपका मीन मोड सॉरी मीडियन और जो मोड है ये सारे के सारे इक्वल होते हैं, जो आपकी जो ग्राफ की जो स्ट्रक्चर होगी ना वो बेल शेप की होगी, और इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये वैसे हम आगे प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैंने कहा कि जो मेरी कर्व की जो शेप है वो क्या आती है, सिमेट्रिक नहीं है,
सिमेट्रिक नहीं है, इसकी इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं होंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगी। राइट हैंड साइड क्या है, आपको ज़्यादा टिल्ट होता मिले तो वहाँ पे मेन की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर लेफ्ट हैंड साइड ज़्यादा टिल्ट होता हो मिले वहाँ पे मेन की वैल्यू कम होती है, और वहाँ पर हमसे क्या कहती है नेगेटिव असिमेट्रिक बोलते हैं, और यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव असिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, ये देखो क्या लिखा हुआ, पॉजिटिव स्क्यूनेस, नेगेटिव स्क्यूनेस, जीरो स्क्यूनेस। जीरो स्क्यूनेस दैट मीन्स आपका ये बेल शेप वाला, पॉजिटिव स्क्यूनेस हम क्या कर रहे हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ओके जी। अब इसके बीच में ना डिफरेंस लिखा हुआ मैंने कि सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जाता है टेस्टिस के बारे में बात की जाए, टेस्ट का मतलब क्या होगा, स्क्यूनेस को हम टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ डायरेक्शन जो मूवमेंट है जो हमारी हो रही है, ठीक है, वो कैसे हो रही है। मूवमेंट अगर जीरो है वो जीरो तभी होगी जब उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, डेविएशन इज नॉट, अगर इक्वल टू जीरो है तो दैट मीन्स ये सब कुछ इक्वल है, 50-50% है। अगर मैंने कहा कि चाहे मेरा मेन है चाहे मोड है मीडियन है, इनकी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं है ना, ठीक है, इनकी वैल्यू हम आइडेंटिकल नहीं कर सकते, या फिर मैं कहूँ कि जो मेरा कर्व है वो बेल शेप नहीं है, या मैं कहूँ कि मैंने अगर मैंने क्वार्टर डिवीजन से निकाला उनकी वैल्यू भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो कहने का मतलब यहाँ पे मेन पॉइंट है नॉट इक्वल, नॉट इक्वल एंड द नॉट जीरो एंड द नॉट आइडेंटिकल, ये पॉइंट मैटर बन गया। ठीक है, तो इसे टेस्टिस कहते हैं। अब यहाँ पे ना आपको थ्योरीज दी गई है, फॉर्मूलेज दिए गए हैं कि इनको मेजर करने के ना 4 से 5 ऑथर है, आई होप आपको नजर आ रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, नजर आ रहा है, ओके। तो यहां पर देखो, एक तो पर्सन है कार्ल पियर्सन, जिन्होंने बताया कि उन्होंने फर्स्ट मेजरमेंट की है, कार्ल पियर्सन जी ने, आपको जस्ट जानना है, इन डेप्थ में नहीं जाना, जस्ट जानना है। एक है हमारे पास बॉले है और एक हमारे पास केले है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्ल पियर्सन ने कहा कि सबसे पहले जो स्क्यूनेस को जो मैं मेजर कर रहा हूँ, तो उन्होंने फॉर्मूले दिया है कि जो मेरे रेंज की वैल्यू आने वाली है ना +3 से -3 होगी वाली। ठीक है, बॉले जी क्या कहते हैं कि जो मेरी रेंज की वैल्यू है ना +1 से -1 के बीच में आने वाली है। केले जी क्या कहते हैं कि जो मेरी वैल्यू है ना रेंज की वो क्या होने वाली है, +1 से -1 के इक्वल आने वाली है। तो मीन्स की इन दोनों के कहीं ना कहीं बेस है। अच्छा, ये कहते हैं कि मैं सभी को सभी यूज़ करता हूँ, मैं मीन को भी यूज़ कर रहा हूँ, मीडियन को भी यूज़ कर रहा हूँ, मोड को भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं क्या अच्छा। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल केवल और केवल क्वार्टाइल डिविजन्स को यूज़ करा जाए। नेक्स्ट तो बिल्कुल ही कह रहा है कि जो परसेंटाइल है और डिकाइल है उनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट को नहीं यूज़ करें, यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखा गया वो उनको उनको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ओके, इनके बेसिस पे जो आगे पॉइंट दिए गए हैं वो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रिलेटिव मेजरमेंट अगर मुझे फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे बस आपको ये याद रखनी है कि आपको R की वैल्यू +3 और -3 के बीच में आएगी, सिंपल सा। ठीक है, इनके फॉर्मूले ये हैं कि X मीन माइनस के मीडियन है, मीन माइनस के मोड है, ठीक है, मीन माइनस के आपके मीडियन है। ठीक है, ओके, जो आपका बॉले जी ने कहा है कि यहाँ पर मैं यहाँ पर क्वार्टाइल को बेस मानूंगा। ठीक है, क्वार्टाइल को क्या मानूंगा, बेस मानूंगा, आर की वैल्यू वन के प्लस के और वन के माइनस के बीच में होगी। जो फॉर्मूला अभी हमने किया था ना स्टैंडर्ड डेविएशंस को और क्वार्टाइल डेविएशन में डिस्पर्जन को कैलकुलेट करते हुए, वही सेम है। बट ट्रिक क्या है यहाँ पर, ट्रिक क्या है, वहाँ पर हम क्या करते थे, ऊपर माइनस करते थे, बट यहाँ पर क्या होगा, नीचे ऊपर प्लस करेंगे, नीचे माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे 2m का मतलब क्या है, क्वार्टाइल की हमारे जो सेकेंड डिवीजन है। ये मैंने नीचे प्रूफ करके दिखा रखा है, आपके एग्जाम के अंदर वैसे आया तो नहीं है, बट मैंने फिर भी आपको दिखाया हुआ, आप देख सकते हैं। ठीक है, केली का अगर आपका है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो है परसेंटाइल और डिकाइल को बेस माना है, तो परसेंटाइल में क्या होता था कि आपके पास 100 होती थी ना, तो यहाँ पे P90 माइनस के P10 सेम एज इट इज, माइनस के 2 मीडियन। इसी तरीके से D9 माइनस के D1। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यहाँ पर तीनों को बेस लिया जाता है, रेंज आपकी +3 और -3 के बीच में आएगी, और आपके पास जो बॉले जी है उनकी जो रेंज बोला है उन्होंने क्या बोला है कि मेरी -1 से लेकर +1 के बीच में आएगी, और केले जी ने कहा है कि मेरी भी सेम है। बट मेरा मेन पॉइंट यह क्या है कि मैं यहाँ पर परसेंटाइल को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है,
इनकी ना जो मैंने डीमेरिट्स मेरिट्स लिखी हुई है ना इन बाकी कॉन्सेप्ट्स की, तो आप उसको ज़रूर रीड कर लेना, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, फॉर्मूले समझा रही हूँ। सो वैसे तो आप इनको ईजिली रीड कर सकते हो इन पीडीएफ में से, कि किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है, लिमिटेशंस क्या रही है। ठीक है, ओके ओके। देन उसके बाद आपके पास आ जाता है, आपके पास ये इस सभी की ये मेरिट्स डीमेरिट यूसेज कहाँ हो रही है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आ जाता है आपके पास कर्टेसिस। कर्टेसिस का मतलब क्या है कि आपकी जो मेजरमेंट है ना, आपकी जो वेरिएबल्स है ना, उनके टचिंग पॉइंट कौन से हैं, मींस की जो आपके कर्व का शेप क्या है, ज़्यादा पीक्ड पॉइंट पे है या फिर फ्लैट है या फिर नॉर्मल है। पीक्ड पॉइंट का मतलब क्या है कि आपकी कर्व बहुत ज़्यादा ऐसे ऊँची जा रही है। ठीक है, एक आ जाता है आपकी कर्व क्या है, आपकी कर्व बिल्कुल ही बिल्कुल नॉर्मल ऐसे गई है। एक है मेरे पास, कौन से कलर से लें भाई, ये वाले कलर से ले लेते हैं, कि एक है मेरे पास क्या है, मैंने नॉर्मल कर्व है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास या तो बिल्कुल हाई जाएगी या बिल्कुल लो जाएगी या बिल्कुल नॉर्मल जाएगी। नॉर्मल जाने वाले को क्या बोला जाता है, हाई जाने वाले को क्या बोला जाता है, ये सर्वे के सभी कर्टिसिस होते हैं। जितनी ज़्यादा हाई जाएंगी तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर आपकी कर्टिसिस की वैल्यू क्या होगी, मोर देन थ्री होगी। ठीक है, रेंज की वैल्यू जो थ्री होगी, और यहाँ पे क्या होगी, लेस देन आपकी थ्री होने वाली है, यहाँ पे इक्विवेलेंट टू थ्री होने वाली है। ठीक है, लैप्टॉप कर्टिसिस बोला जाता है जो हाईएस्ट होती है। ठीक है, मैसो कर्टिसिस बोला जाता है जहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है। प्लेटो कर्टिसिस बोला जाता है जो आपकी फ्लैट स्ट्रक्चर में होती है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैसो कर्टिसिस का मतलब क्या है, जहाँ पर बेसलाइन क्या होती है, कर्टिसिस की डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर शेप होती है, बीच वाले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल होते हैं, जहाँ पर आपकी जो कर्टिसिस की वैल्यू होती है अराउंड अराउंड थ्री के इक्वल होती है। ठीक है, बट लैप्टो का मतलब क्या है, लैप बहुत लेंथ में जा रही है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पीक्ड वैल्यू पे जा रही है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत ज़्यादा पीक्ड में है, और इसकी वैल्यू एक्सीड द ग्रेटर द थ्री होगी। बट प्लेटो कर्टिसिस का मतलब क्या होता है, जहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्लैटर होता है और वैल्यू लेस देन थ्री होती है। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये पूरे चैप्टर की समरी है बच्चे, आप इसको रीड कर लेना, बिल्कुल आसान है। ठीक है, और हाँ, ओवरऑल जो अगर मैं बात करूँ बेस्ट मेथड क्या है मेजरमेंट ऑफ द वेरिएशंस का, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशंस माना गया है, इसके रीजन मैंने लिखे हुए हैं। क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशंस सभी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है, एक मीन को कंसीडर करके चलता है, सभी की कंफ्यूजन को दूर किया गया है, और ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड भी है, मोस्ट ऑफ इसी को यूज़ किया जाता है आपके मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, ओके जी, चैप्टर हो जाते हैं फिनिश। ब्लॉक नंबर हमारे पास सेकेंड फर्स्ट भी हो गया कंप्लीट, सेकेंड भी हो गया, देन आपके पास फिफ्थ ब्लॉक भी हो गया, दो ब्लॉक रहते हैं, उसको हम जल्दी से जल्द कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। अगर इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, सॉरी नंबर दिया हुआ है टीम का, सो आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको सजेशन दे देंगे कैसे आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, सो चलो, MCU 03, MCU 01, MCU 06, MCU 07 सभी बुक्स हमारी मोस्ट ऑफ कंप्लीट हो चुकी है, ये भी बुक हम जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके जी।